की दशा की बात सुनावा इश्क दिया। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, मैं तो अस्सलाम वालेकुम। मेरे फेसबुक जितनी फैमिली इस वक्त मौजूद है मेरे साथ आ चुकी है, क्योंकि टाइम तो हो चुका है, टाइम जो हो चुका है जैश वन इज 3:27 एंड टुडे सैटरडे। सैटरडे को आप में मेरा साथ होते हैं एवरी सैटरडे फ्रॉम 3 to 5 PM एंड नाउ 3:27 हो चुके हुए हैं। और की दशा की बात सुनावा इश्क दिया, ये कोई ना बता सकता है ना कोई दस सकता है, कोई दसने वाली बात ही नहीं है। एनीवेज आप सब कैसे हैं, ठीक है, फिट फाट है, लाइफ को कैसे एंजॉय कर रहे हैं, लाइफ में क्या चल रहा है, क्या प्लानिंग है, क्या सोच रखा है, क्या हो चुका है, सारी आज है ना मुझसे शेयर करें। टॉपिक भी अनाउंस करूंगी, लेकिन जैसे आने जाऊंगी आने जाने के साथ आपको मैं टॉपिक भी अनाउंस करूँगी। वेलकम करें आप सबको, जो सब आप इस समय मेरे साथ आ चुके हैं, अर्षद मारी हैं, शहजेब भी आ चुके हैं। शहजेब ने लास्ट टाइम बस गए ना एवी एलो हाई करके ना आप चले गए थे, मैंने नोट किया था, लेकिन मैंने कहा चलो है ना कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम, लेकिन कोई बात नहीं, सब आप तो है ना इन टाइम आ चुके हो। और कहते हैं कि मी फ्रॉम आजाद कश्मीर, दैट्स नॉट अ थिंग टू टेल मी बिकॉज आई रिमाइंड। अब मेरे की भी रिमाइंड है कि आप ना आजाद कश्मीर से बिलोंग करते हैं। एनीवेज जी सब बताएं कि कैसे हैं, सारे ठीक हैं, खुशहाल हैं, खुशी है, लाइफ में कैसे गुजर रही है। और आज जो ट्रैक है मेरी फर्स्ट, मैंने वो प्ले कर दी है कि दसा की बात सुनावा इश्क दिया। इससे आपकी अपनी चॉइस है, आप इसे ऐसा इश्क हकीकी भी ले सकते हैं, इश्क मजाजी भी ले सकते हैं, वेरी करते हैं आप पे, बट आई विल टेक इट एज इश्क हकीकी, क्योंकि रियलिटी वही है। और बाकी वो जो इश्क है ना, जो खुदा से किया जाता है, जो उसके बंदों से किया जाता है, वो नहीं हो सकता। और एक जो बात है वो हिला देने वाली है ना, मतलब आपके जो है ना आप सोचते रह जाते हो कि कौन अपना महबूब देता है, लेकिन ये खुदा है जिसने अपना महबूब आप हम जैसे लोगों को दे दिया है। एनीवेज कैसे हैं जी, जल्दी से वेलकम करेंगे। मोइन अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं, हाय कहेंगे। अख्तर अब्बास कहाँ गायब थे आप, वालेकुम अस्सलाम कहेंगे आपको। और इश्क मोहम्मद इश्क हमारे इश्क ही है ना आपका नाम, ओके हमारे साथ मौजूद है। कहते कैन आई आस्क यू स्वीट हार्ट, ओके व्हाट डू यू वांट टू आस्क मी, व्हाई नॉट श्योर। और अहमद हमारे साथ मौजूद है, कहते हैं हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अहमद, इतने टाइम के बाद आप आए हो, कहाँ गायब थे आप, वही है ना पश्तून हान पश्तो जो सांग है ना निकाल दूं अगर सुन नहीं तो वही हो ना। एंड एनीवेज कैसे हो, ठीक हो, इज एवरीथिंग गोइंग इन योर लाइफ, व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट इज रनिंग इन योर लाइफ। और जो वीकेंड है ना आज तो ना ही पूछो कुछ, आज ना ही पूछो, 3:30 हो चुकी है, ब्रेक पे जाएंगे। खैर इश्क की जो दास्तान है, इश्क की जो जुबान है, वो तो कभी खत्म नहीं होगी। कहा जाता है ना इश्क जो है वो ना बयान किया जा सकता है, ना उसको ना बियर किया जा सकता है, बस वो क्या एक शेर यहाँ पे ना, ब्रेक का टाइम हो चुका है लेकिन जल्दी से एक शेर बोलूंगी कि ब्रेक के बाद ना हो जाए, ब्रेक के बाद चलते ठीक है। नो इट्स अ टाइम टू हैव अ वेरी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, आई विल बी हियर विद यू टिल 5 o'clock। जैसे आने जाते हैं इसी जो है ना रेलिवेंट की दशा की बात सुनावा इश्क दिया, उस पे जो है ना एक मैं आपको शेर सुनाऊंगी। एंड वो जो मैंने वेरी फर्स्ट टाइम सुना था तो आई वाज लाइक दिस ना, मतलब किसने क्या बोल दिया, इतनी डीप बात इसी सिंपल वर्ड्स में। अच्छा वर्ड्स और जो सारी इंफॉर्मेशन, सारे वर्ड्स वोकैबुलरी वो सारे हम भी जानते, बट बात ये कि कौन अपने वे से किस तरह से बात करता है। असद को हाय बोलेंगे, शुएब को हाय बोलेंगे, राजा आसिम को हाय बोलेंगे, शुएबी मलिक को हाय बोलेंगे, शेब और शुएबी मलिक देर जैन दी हाय और वालेकुम अस्सलाम टू ऑल ऑफ यू। तो जो है ना आज पता नहीं समटाइम इंसान की कुछ सिचुएशन ऐसी सी हो जाती है कि मतलब वो जो है ना सैड होता है लेकिन हंसी भी हंसी हो रही होती है ना। तो समटाइम ऐसा भी है, भी सिचुएशन का नाम है। और समटाइम ऐसा होता है कि इंसान बड़ा हैप्पी होता है लेकिन फीचर वाइज जो है ना एक्सप्रेशन वाइज वो बिल्कुल सैड सा फील करता है। पता नहीं क्या है ये लाइफ में, जो मेरी समझ से बाहर है, लेकिन यहाँ लाइफ हमें गुजारी है, हम लाइफ को गुजारे हैं, कहीं कुछ हो तो रहा है ना। ओके ठीक हो गया। राजा आसिम शुभ मलिक कहते हैं आज आप बहुत हैप्पी, हाँ हैप्पी अल्हम्दुलिल्लाह, आप मेरे कोई भी वीडियो उठाएंगे मैं हैप्पी नजर आऊंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह थैंक्स टू माय गॉड, उसकी भी दौलत है, उसकी अतात है। अल्लाह सबको भी हमेशा खुश रखे, अपने जुमान में लिखे कीप यू सेव एंड साउंड, और हमेशा हंसते रहिए विद अ हैप्पी एंड ब्यूटीफुल स्माइल ऑन योर फेस। लाइफ इसी को कहते हैं जीने का नाम है, इसे जिए। वालेकुम सलाम शबी मलिक, कितनी दफा आपको सलाम का जवाब दूं। अच्छा कहते हैं आज का मौजू क्या है, जैसे मैं आने जाऊंगी असद अली तो मैं डेफिनेटली जो है ना आज का टॉपिक वो भी अनाउंस करूंगी। अच्छा वो जो मेरे एफवी में मेरे लाइक फैमिली हैं, एफवी फ्रेंड्स हैं, उनको आज का टॉपिक तो ऑलरेडी पता है, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी जो है ना मैं अपने जब पोस्ट अपलोड करती हूँ तो
अपडेट करती हूँ तो उस पर मैंशन कर देती हूँ टॉपिक को, समटाइम करती हूँ समटाइम नहीं करती, तो उनको तो पता ही होगा। लेकिन साथ में अहमद थैंक यू सो मच, आप मुझे पता है आप जो है ना साथ में प्यारी प्यारी जी जो है ना इमेजेस ब्लू एंड ब्लू वो मैं नोट कर रही, थैंक यू सो मच अहमद। और साथ अच्छा टाइम ब्रेक से बस हम वापस आने वाले हैं, समटाइम ब्रेक बहुत लंबी हो जाती है, मैं कहती हूँ कि इसको मैं शॉर्ट ही कर दूँ क्योंकि मतलब चल ही रही है चल रही है। टू व्यूज ड्यूरिंग योर वीडियो लाइव कॉल श्योर श्योर ओके। राजा आसिम क्या कहते हैं, राजा आसिम आपका जो है ना इमेजी अभी तक, ओ थैंक यू सो मच। अच्छा शुभी मदी कहते हैं खामोशी को समझना सीखो क्योंकि टूटे हुए लोग लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं करते, खामोशी इसी इज द बिटेस्ट किलर इज द वर्स्ट किलिंग, खामोशी सबसे ज्यादा मार देती है क्योंकि जब बंदा बोलता है ना पता चल जाता है इसके माइंड में क्या चल रहा है क्या चाहता है, लेकिन वो बंदा जो की साइलेंस हो जाता है उस समय किसी भी सिचुएशन में उसका पता नहीं चलता वो सबसे किलिंग होती है। अल्लाह का नाम है बंदा कहता है कुछ बोलो तो सही ना हुआ क्या है। एर एनी वेज इतनी लंबी ब्रेक है, चले वेरी फर्स्ट ब्रेक है इसमें तो चलता है। अवैस को बोले हाँ अवैस कैसे हैं, अस्सलाम वालेकुम, कह रहे वालेकुम अस्सलाम। अवैस थैंक यू सो मच, आपने मेरी पोस्ट पे हर पोस्ट पे बड़ा पॉजिटिवली और बड़ा अच्छे कमेंट्स करते हैं और रिस्पांस देते हैं सपोर्ट करते हैं, और आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि मेरी जो वीडियोज हैं उसे एज मच एज यू कैन इसे फैला दो, इसे रोल दो जैसे कोरोना फैल गया था ना पता ही नहीं चला था मतलब टच करने से फैल जाता था, तो इसी तरह से मेरी वीडियो को फैला दें अपने। आई रिक्वेस्ट यू कि अगर आपके पास कोई व्हाट्सएप ग्रुप है या एपी ग्रुप है उसमें मेरी वीडियोस को मोस्टली जो है एज सून एज मच नहीं एज मच एज यू कैन एज सून एज पॉसिबल जो है उसे शेयर कर दें। राजा सिंह कहते हैं ऑलवेज स्माइलिंग फेस आर जैसे नहीं, थैंक यू सो मच। एंड अवैस कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह आप बताओ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आपके सामने फिट फाट हट्टी कट्टी मुझे क्या होना है, एंड थैंक्स टू माई गॉड। शुभी मलिक कहते हैं तेरे सवाल के बदले में खामोशी मेरी है एक दलील के तू लायक जवाब नहीं, इतनी प्यों प्यों कहते हैं ना पंजाबी में भिखो भिखो के ना मारो है। अहमद अहमद फ्री में मिल गया है थैंक यू सो मच। अच्छा आने जाने के साथ में एक दफा नंबर भी अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी अनाउंस करूंगी, साथ में जो टॉपिक है वो भी डेफिनेटली अनाउंस करूंगी कि दसा की बात सुनावा इश्क दिया, कोई कह नहीं सकता कोई बता नहीं सकता कोई एक्सप्रेस कर ही नहीं सकता, लेकिन एनीवेज हम आपसे कहेंगे कि वो किससे शेर ने कितनी प्यारी बात की है। क्या कहा इश्क हो गया लाइक दिस, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, कहता है कि क्या कहा इश्क हो गया इन्ना लिल्लाह व इन्ना अलैहि राजिऊन। अच्छा ये ना वर्स है उसकी जो लिरिक है जो पोएट्री है ना उसकी सेकंड वर्स है, इसमें ये ना सोचिएगा मैं क्यों बोल रही हूँ। एनीवेज जी टाइम हो चुका है इट्स टाइम 3:35, आप सबको वेलकम कहेंगे खुशाम देख कहेंगे गुड आफ्टरनून वो के जहाँ इसे सुबह हो चुकी है वहाँ को वहाँ उनको बोलेंगे गुड मॉर्निंग सर, और जहाँ गुड आफ्टरनून है वो तो हमारे पाकिस्तान में है उनको बोलेंगे गुड आफ्टरनून, कहा जहाँ गुड इवनिंग है उनको बोलेंगे गुड इवनिंग। And thank you so much to all my listeners and viewers. जल्दी से कॉन्टैक्ट नंबर बताते चलो आप किस तरह से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डैट वन इज लैंडलाइन नंबर हमारा 0537601961 और व्हाट्सएप नंबर है 0302395979797 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अच्छा आज जो है ना मेरे लाइव आने से बिफोर जो है ना वो कॉल भी आना शुरू हो गई थी। अच्छा फरासत अली मां सब जो हैं इटली से थैंक यू सो मच फरासत, आपने अगेन मेरे शो में मुझे पार्टिसिपेट किया थैंक यू सो मच। और जो टॉपिक है वो ये है कि टॉपिक थोड़ा सा बहुत ज्यादा सीरियस है और वाकई सीरियस सोचने की बात है। मैंने जब ये देखा वीडियोस देखे क्योंकि आप ऐप भी ओपन करें काफी सारी वीडियोज भी आपको अवेलेबल होंगे, व्हाट्सएप पे भी लोगों ने काफी शेयर किए, तो उसमें what is going happening in India, what is happening with all Muslims all over the universe, all over the world, यानी पूरी दुनिया में मुसलमानों पे क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी इस प्लेटफॉर्म के थ्रू इस चीज को अगर मे भी मेरे एक बात मेरे एक जो वर्ड है मेरा एक सेंटेंस है वो किसी के माइंड किसी के दिल पे क्लिक कर जाए तो किसी के बेहतरी हो जाए, उसमें कोई ऐसा सच एस कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने कहा क्यों ना इस दफा मैं अपने शो में एंटरटेनिंग है लेकिन कोई बात नहीं, समटाइम थोड़ा सा लास्ट टाइम भी सीरियस है इस दफा कुछ ज्यादा सीरियस है, हम बात करेंगे कि जुल्म हमेशा मुस्लिम पे ही क्यों होता है।
जुल्म हमेशा मुसलमान ही क्यों सहता है, उस पे ही क्यों होता है? सोचने की बात है, कॉमन सेंस की बात है। दुनिया में बहुत ज्यादा रिलीजन्स हैं जिसमें क्रिश्चियंस भी आते हैं, हिंदू आते हैं, ईसाई आते हैं, सिख आते हैं, मतलब एक लंबी लिस्ट है। लेकिन जुल्म हमेशा मुस्लिम पे ही क्यों होता है? क्योंकि मुस्लिम जो है, मुसलमान एक सच्चा मजहब है और हमेशा वही पिसता है जो हक भी होता है। तो हम इस चीज पे आवाज उठानी है जो इंडिया में किया जा रहा है, जो वैसे ओवरऑल जो है वर्ल्ड मुस्लिम्स पे किया जा रहा है। तो क्यों ना अपने एक सेलफोन, हम वैसे तो अपने काफी सारे अपलोड करते हैं। थैंक यू सो मच अहमद, अहमद थके नहीं अभी तक। ओके केटी एम राजा कहते हैं इस्लाम अभी हाय बोलेंगे, वालेकुम अस्सलाम, आपने वेरी फर्स्ट टाइम मेरे शो में मुझे टेक्स्ट किया है। अकमल मुनीर को कहेंगे मैं आज फिर आ गया जी, मुझे पता है आ गए थे, आपको वेलकम कहेंगे। खुशाम जीत कहेंगे अपने शो में। तो हम ये क्यों ना अपने फोन पे वैसे यूज कर रहे होते हैं, तो क्यों ना आज हम ये एक जो है ना डिटर्मिनेशन करें कि हम इस चीज पे आवाज उठाएंगे। कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक अपलोड तो कर सकते हैं ना व्हाट्सएप या एफपी पे उनके जो है जो मुजालिम कर रहे हैं, जो जुल्म कर रहे हैं उनके खिलाफ। तो मे भी किसी का कुछ बन जाए। बहुत लंबी स्पीच नहीं होगी, बहुत डिटेल में मैंने बोल दी है। अच्छा शबी मलिक कहते हैं कि कौन देखेगा वो सुलगते हुए आंसू जो तकियों के गलाफों में जज्ब हो जाते हैं। नहीं दिखाने क्यों है, अपने लिए रोते हो ना, तो दूसरों को क्यों दिखाना है। अच्छा मैं आपकी वैसे पोएट्री मुझे बड़ी अच्छी लगती है सबकी, आप जितने भी यहाँ पे शेयर करते हैं, लेकिन आप लोग जब समटाइम सैड करते हैं तो मैं कहती हूँ कि अगर इनके सैड होने से मैं इनकी सैडनेस को इंक्रीज करूंगी तो क्या पर्पस है मेरा यहाँ आने का, क्या पर्पस मेरा मेरा शो करने का। इसलिए मैं थोड़ा सा ना फन में ले आती हूँ ताकि आपके फेस पे एक प्यारी सी क्यूट सी स्माइल आ जाए, तो डेफिनेटली आएगी। अदनान अली कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, आप भी वालेकुम सलाम। अदनान आपको शो में वेलकम कहेंगे, वार्मली वेलकम कहेंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम आपने शो में मेरे मुझे मैसेज किया। 3:38 हो चुके हैं, जल्दी से ट्रैप प्ले करेंगे और आतिफ असलम की आवाज में थोड़ा सा मूड स्विंग बनाएंगे, थोड़ा सा फन करेंगे। एंजॉय दिस ट्रैक। अवैस कहते हैं हम में इत्तेफाक नहीं है इसलिए मुस्लिम। हाँ वो बात भी ठीक है, जब वो कहते हैं ना कि एक वो टाइम था जब लोग मुसलमानों के नाम से डरते थे ना, जस्ट इतने पे डर जाते थे कि ये एक मुस्लिम है, इतने से डर जाते थे। बात वही है कि यूनिटी नहीं है, इत्तेफाक नहीं है, लेकिन हम ये कभी तो कहते हैं ना कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जब हम सोच सकें कि ऐसा क्यों है। तो आई रिक्वेस्ट यू टूडे कि आपको जितना हो सके अपने व्हाट्सएप पे अपने एफपी पे इस चीज को जो ना इस पे आवाज उठाएं कि उन पे जुल्म क्यों हो रहा है। कहते हैं ना तिनका जुगते को तिनके का सहारा, और एक एक ग्यारह होते हैं, तो एक एक ग्यारह जो है ना बहुत ज्यादा बन जाते हैं। अहमद कहते हैं बहुत प्यारी आवाज, थैंक यू। अच्छा किसकी, मेरी या आतिफ की, क्योंकि आतिफ का साउंड चल रहे। अहमद बड़े पॉलिटिशियन है ना, आप बहुत बड़े पॉलिटिक्स हो, सियासी आपने आंस की है, बहुत प्यारी आवाज। रानी जी थैंक यू सो मच। नंबर मैं दोबारा बताती चलूं, 0537601961। मैंने जो अपनी वीडियोस पे भी मेंशन कर रखा है, और व्हाट्सएप नंबर है 0302395997997। अकबर मुनीर कहते हैं कि यस आपी यू आर सो गुड पर्सन, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया कि आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं, लेकिन पता नहीं है ऐसा कि नहीं, सोचने की बात है। थैंक यू। अवैस कहते हैं कि तब हम एक थे जब हमने अपनी बेस को छोड़ दिया, तो हाँ ये बात ऐसे ठीक है कि वही बात है, अपने रूल्स को छोड़ देंगे, अपनी जो हमारी कस्टम्स है, हमारी वैल्यूज है, उनको जब लेफ्ट करते हैं ना तो बंदा कहीं का नहीं रहता, और हमेशा वो कौम वो नेशन जो है ना अपनी वैल्यूज को लेके चलती है, वो हमेशा जिंदा रहती है। हाँ वलीद आज शुगर डाली है, थैंक यू सो मच वलीद, बड़ा अच्छा भाई है, और हमेशा जो है ना एक आवाज पे जो है ना वो चाय बना देता है, बड़ी अच्छी सी चाय बनाता है। लास्ट टाइम कोई बात नहीं, शुगर कभी बंदा भूल जाता है ना, इंसान है, कोई बात नहीं है। अच्छा शेबी मलिक क्या कहते हैं कि तन्हा होना ये नहीं होता कि आपके पास कोई नहीं है, तन्हा होना दरअसल ये होता है कि आपके पास है, लेकिन हाँ चलो ठीक है। ओके सलमान हाय बोलेंगे कहते हैं अच्छा अपना नंबर दे बात करनी है। अच्छा हमारा जो ऑफिशियल नंबर है वो है 0537601961 पे आप कॉल कर सकते हैं। वैसे कहते हैं आपने चाय पीनी है क्या, आहा आज ऐसा नहीं होगा क्योंकि आज मेरी चाय है वो मेरी अभी भी आ चुकी है, सो आप अपनी चाय को एंजॉय कीजिए। अवैस की जो है ना आई स्पेशली थैंक्स टू यू, सीरियसली अवैस
बिकॉज आप जो है ना मेरी पोस्ट पे सबसे पहले क्लिक करके आते हो और बड़ा अच्छे जो रिस्पांस भी करते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं, मुझे सपोर्ट भी करते हैं। और एक और जो स्पेशल आपकी चीज़ है जो मुझे अच्छी लगी, दैट आई लाइक सो मच कि आप इस वक्त की जो चाय वो मेरे साथ शेयर करते हो, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि चाय अकेले पीने का मजा नहीं आता। तो अकबर क्या कहते हैं, लेकिन पता नहीं आपसे कब बात होगी, क्या मतलब क्या बात होगी, आप कॉल करो। अच्छा कॉल वैसे आ भी रही है, मैंने नोट ही नहीं किया। ओके आमिर, हाँ आपको वेलकम कहेंगे शो में, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, उस्मानों में इत्तेफाक नहीं है। अच्छा कब से आमिर मैं आपकी इमेज ही देख रही हूँ, मैंने कहा बंदा तो नहीं दिख रहा है लेकिन पता नहीं कौन है, आपको शो में वेलकम कहेंगे। और और, और, और अच्छा टाइम आज जो है ना मेरी मुझे सेल पर ही फोन टाइम देखना पड़ता है, यहाँ पर टाइम ही ठीक है, 42 हो चुके हैं, हमने ब्रेक पे जाना है, ब्रेक 45 पे, लेकिन एक ब्रेक हम रख लेते हैं। आतिफ का सॉन्ग एंजॉय कर रहे हैं हम। ओके जी ओके, शेबी कहते हैं कि ऐसे ना कहो कि किस्मत की बात है, मेरी तन्हाई में कुछ हाथ तुम्हारा भी है। मैं समझी अगला वर्ड होगा कि तुम्हें कुछ खास बात है। यासिर मलिक हाय कहते हैं फ्रॉम हालिया। ओके जी मुफीद जानी, अल्लाह मुफीद भी और जानी भी है, ये दोनों आपस एक कंट्रेरी नहीं हो गए नाम, मुफीद और जानी, ये कैसे हो सकता है। कहते हैं सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम, आपको शो में वेलकम कहेंगे, आपने फर्स्ट टाइम मेरे शो में मुझे टैक्स किया है। अवैस कहती है हाँ ना मैंने आपका शो के लिए ही चाय पी, थैंक यू सो मच अवैस, थैंक यू सो मच, अल्लाह ब्लेस यू। अच्छा मुफीद जानी कहते हैं कि मी फ्रॉम पाकिस्तान लाइव इन ग्रीस, लिव इन ग्रीस। अच्छा लाइव आपने स्पेल, चलो ठीक है, एनीवेज लिव इन ग्रीस, अल्लाह ब्लेस यू। और ओवरसीज पाकिस्तानी तो मेरे कुछ एक्स्ट्रा लग्जरी होते हैं, बेचारे दूर होते हैं ना पाकिस्तान से भी, अपनी फैमिली से भी दूर होते हैं। ओके जी शबी मलिक बड़ी अच्छी हुआ आपकी पोएट्री मुझे आप सेंड करें, कहते हैं मेरी हर एक उम्मीद का कातिल तेरा एक लफ्ज खुदा हाफिज। ओए हाय हाय क्या कह दिया, क्या कहने आपके, क्या कहने आपके। ओके टाइम क्या हो गया, मैं कॉल एक और ट्रैक प्ले कर लें कि हम छोटी सी चिटचैट कर लें। वेलकम बैक कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे अपने तमाम लिसनर्स और व्यूअर्स को, ओवरसीज पाकिस्तान को स्पेशली कहेंगे। लगता है आज अहमद ने हाथ रख दिए ना इमेजेस पे, तो अच्छा ब्लू ब्लू, थैंक यू सो मच अहमद। अच्छा मुनीर हमारे साथ मौजूद हैं, कहते हैं सामने को वेलकम स्टाम, वेलकम कहेंगे अपने शो में। उस्मान हमारे साथ मौजूद है, यासे मौजूद हैं, और कहते हैं शेबी ने फिर कुछ फरमा दिया है। शेबी क्या फरमाते हैं कि जिंदगी जीनी है तो आगे देखें, जिंदगी को समझना है तो पीछे देखें। हाँ बात ठीक है कि हमेशा अपने पास्ट को साथ रखो, बट इसलिए नहीं कि उसको साथ लेके चलना है, इसलिए कि उससे आपने एक ना टाइट वाला जो है ना लेसन वो से सीखना कि नेक्स्ट टाइम ये मिस्टेक नहीं करनी। मुनीर अली कहते हैं वेरी नाइस वॉइस, थैंक यू सो मच। मैं बोली तो मेरे कहा होगा ना, क्योंकि सॉन्ग तो मैंने बंद कर दिया हुआ है। एनीवेज ओके जी हम इस समय मौजूद हैं एफएम हालाखड़ा 97 के स्टूडियो से लाइव मौजूद हैं, मुझे सुन तो रहे हैं, ट्यून जिन्होंने फर्स्ट टाइम मुझे किया है उनको बताते चलूं आपके साथ इस टाइम मौजूद हैं, क्यों बताऊं मेरी मर्जी। ओके जी आर जी सनी आपके साथ मौजूद है और आपके मेरे साथ होते हैं एवरी सैटरडे फ्रॉम 3 to 5 PM। चाय मेरी आ चुकी है और जिस जो जो लोग बल्कि मोस्टली तो पाकिस्तानी इस वक्त चाय जो है ना एंजॉय करते हैं, तो आप भी चाय ले आइए मेरे साथ एंजॉय कीजिए। अच्छा व्हाट्सएप पे प्लीज कॉल ना करें, वो कॉल अटेंड नहीं हो सकती, तो फिर करनी क्यों, फिर मैं जो जॉब कर दूंगी आप मेरा ये करिए। गालिब हाय बोलेंगे आपको, अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं, अहमद कहते हैं वेलकम, थैंक यू सो मच जी, और हाय बोलेंगे सबको। चाय की एक सिप ले लेते हैं ताकि जो मेरी वॉइस है ना वो थोड़ी सी फ्रेश फील हो जाए, वरना अभी जो है ना मुझे टेक्स्ट आना शुरू हो जाना है, आज आपकी वॉइस को क्या है, आज क्या हो गया। एनीवेज जी और अच्छा टाइम क्या हुआ जी, टाइम 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 45 हो चुके हैं, ब्रेक पे जाएंगे, स्टे विद मी बिकॉज आई एम हियर विद यू टिल 5 PM। ओके जी ओके ओके नंगर शर ओके आपको वेलकम कहेंगे, हाय क्या नाम है नंगर शर हाय बोलेंगे आपको, कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, गुड शर, थैंक यू सो मच, आपको बहुत ज्यादा वेलकम कहेंगे, फर्स्ट टाइम आपने मेरे शो मुझे जान के कैफे। ओके अवैस कहते हैं अच्छा जी ब्रेक टाइम ऑफ हो रहा है इंशाल्लाह, ओके ओके थैंक यू सो मच, कि आप जो है ना थोड़ा सा आपको टाइम मिलता है ब्रेक का, आप थोड़ा सा अपना लंच करते हो, थोड़ा मेरे शो में मुझे ज्वाइन करते हो, मुझे सपोर्ट करते हो, थैंक यू सो मच, अल्लाह आपको जजा दे एंड अल्लाह ब्लेस यू, सिप ले लेते हैं चाय की। हम्म
अच्छा उस्मान को हाय बोलेंगे, उस्मान काफी लेट हो गए हो, कहते हैं कि हेलो आरजी, हाय आरजी, हैव अ ग्रेट वीकेंड, ओके माशाल्लाह गॉर्जियस पर्सनालिटी, थैंक यू सो मच सो मच। ओके शिवी कहते हैं कि कुछ लोग जिंदगी होते हैं मगर जिंदगी में नहीं होते। बात ठीक है, जिंदगी तो होते हैं लेकिन हमारी लक है समटाइम एक चीज। अच्छा मैं समझी शायद कि ये जो है ना, कुछ लोग जिंदगी होते हैं लेकिन जिंदगी नहीं होते। मैम को आप जानती हैं, अहमद अहमद ये क्या आपने लिखा है, मैम को आप जानती हैं, कौन किसको क्या जानते हैं, वैसे मुझे समझ नहीं आ रही। अच्छा अहमद कहते हैं कि अस्मा, हु इज अस्मा, आई डोंट नो, आई नो आइडिया, पता नहीं कहाँ पहुंच रहे हैं अहमद, इतने दिनों बाद आए तो अजीब सी बातें कर रहे हो। अच्छा अहमद ने अपनी इमेज चेंज कर लिए, अहमद लगता है वो खत्म हो गई थी या ताकि थे। थैंक यू सो मच अहमद, बहुत 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 शुक्रिया, इतना ढेर सारा शुक्रिया आपका। आने चलते हैं और आने चल के फिर आप जो है, आई थिंक सो 4 o'clock से मैं जो है ना वो कॉल्स आपकी रिसीव करना शुरू करूंगी, अटेंड करूंगी। इससे पहले जो है ना मैं यहाँ पे लाइव जो है वो टाइम देना चाहती हूँ। अच्छा पहली कॉल वैसे जो ना मोस्टली जैगम कह रहे होते हैं कि मेरी कॉल थी आपने अटेंड नहीं की, तो कोई बात नहीं, आप 4 o'clock से हम जो है ना आपकी कॉल्स भी अटेंड करना शुरू करेंगे, ठीक है। जीते रहे, हंसते रहे, होशबाश रहे, अपनी लाइफ को एंजॉय करते रहे। कैसे हैं जी सारे, और जो है लाइव में मौजूद हूँ आपके साथ, और FM मालिया खड़िया 97.97 97.97 97, और पूरा वीक जो है 97 मेरे दिमाग में घूम रहा होता है। अहमद आरजे अस्मा, आई नो हैव एनी आइडिया अबाउट आरजे अस्मा, ये किस मतलब, मैंने तो दो ही जो है वो किए हैं रेडियो, एक 102 दिल FM एंड दिस वन इज FM मारका 97, तो मुझे नहीं आइडिया ना इसमें कौन है। एंड एनीवे से कॉल जो है आपकी 4 o'clock से मैं अटेंड करना शुरू करूंगी, सो प्लीज प्लीज थोड़ा सा वेट कर लीजिए। इस दुनिया के गम जाने कब हो के गम, ये जो है मैं जब छोटी थी तो मैंने, क्योंकि बहुत पुराना है ये, तो मैंने सुना कि इस दुनिया के गम न जाने कब होंगे कम, तो मुझे तब ये आइडिया था कि शायद ये जो गम वगैरह सारे ये इससे जस्ट जो है ना मकबूजा कश्मीर जहाँ पे हो रहा है वो है। लेकिन जैसे जैसे ग्रो किया, मेंटली स्टेबल हुई, मिच्योर हुई, तो मुझे समझ आया कि गम तो हर एक के अंदर मौजूद है, तो न जाने बाकी कब होंगे कम इस दुनिया के गम। लेकिन इसी से आज रेलिवेंट मेरा टॉपिक है कि जुल्म हमेशा मुसलमानों पर ही क्यों किया जाता है, नॉन मुस्लिम जो है, सिख हिंदू क्रिश्चियन मतलब सारे जो हैं, और उन पे क्यों नहीं होता। तो एक आज हमने आवाज उठाने, एक प्रॉमिस मुझसे करें कि आज सारे का आवाज उठाएंगे कि क्यों उन पे जुल्म किया जा रहा है। अहमद कहते हैं कोई बात नहीं, आपका प्रोग्राम इतना शेयर किया है, अब लाइक्स और ये थैंक यू सो मच है, मतलब कितनी अच्छी हो, क्यूट, थैंक यू सो मच। मैं सीरियसली बताऊं, क्योंकि हर बंदे का मूड स्विंग्स होते हैं, और ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं कि हमारे जितने आर्टिस्ट यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे जितने एक्ट्रेसेस होते हैं, जितने आर्ट जिन आर्ट है उनके, जिनके पास जो आर्टिस्ट होते हैं, इस इम्पॉसिबल के उन लोगों को भी सैडनेस नहीं होती, कोई टेंशन नहीं होती, प्रॉब्लम नहीं होता। हर की लाइफ में अपनी जगह प्रॉब्लम्स टेंशन सब चल रही होती है, एंड सीरियसली ऑल्सो हैपन विद मी, मेरे साथ भी हो रहा होता है। लेकिन मैंने कभी, जब मैं स्टोर पर एंटर होती तो मुझे ये होता है कि मुझे यहाँ पे जो है ना अपने जितने लिसन व्यूज को उनको एंटरटेन करना है। अगर मैं भी सेट होकर उनसे बात करूंगी तो मेरा यहाँ आने का पर्पस डैट इज फिनिश्ड। सो ये बात है कि मतलब होता है समटाइम, मैं बहुत टेंशन में भी होती हूँ, वरिड भी होती हूँ, तो लेकिन मैं कहती हूँ नहीं, अगर वो सारे मेरा फेल कर रहे हैं, मेरे शो का, मेरे टाइमिंग का, तो फिर मैं क्यों इस चीज़ को मिस करूँ, मुझे डेफिनेटली उनको एंटरटेन करना है। सो थैंक यू सो मच अहमद, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ओके हाय कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं जी, आपको भी हाय बोलेंगे। एस सजात जहूर हमारे साथ मौजूद है, हाय सजात कहते हैं कि ये क्या परी बेकर्स लदास, अपने अपने काम शुरू कर दिए हैं। अच्छा नेक्स्ट ट्रैक जो है ना आसिम के आवाज में मैंने एक ट्रैक निकाला हुआ है, आप इस ट्रैक को एंजॉय कीजिए। टाइम हो चुका है 51, जज इस ट्रैक, उसके बाद हम गपशप करेंगे। ओके और फिर 4 o'clock से हम
एक 4 o'clock से अपनी कॉल से अटेंड करेंगे. सो एंजॉय दिस ट्रिप. हुआ तेरे हवाले आके मुझे तेरे इशारे दिलों से खो गया रे. आज मेरा हिजाब मेरी कैप जो है ना वो पैनल से मैच कर रही है. दैट वन इज वाइट एंड रेड एंड आल्सो वाइट एंड रेड मैंने मैचिंग की हुई है. सारी रेड एंड वाइट ब्लैक भी है. ब्लैक मेरा बाया टोटली मैचिंग है आज हमारी. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत शुक्रिया. पंजाबी गबरू गबरू जवान वही होते हैं ना जो हेल्दी होती हैं. आपको हाय बोलेंगे शो में कहते हैं कि इस्लाम एंड इस्लाम टू ऑल. अच्छा हमारी एक पंजाबी कुड़ी भी है पंजाबी गबरू भी आ गया. चलें एक अच्छा मैचअप हो गया. आपको वेलकम कहेंगे अपने शो में. अच्छा कुछ इमेजेस ऐसी हैं जो मुझे आज न्यू फेसेस लग रहे हैं लेकिन अभी तक आपने विद नेम टेक्स्ट करके मुझे नहीं बताया कि आप कौन हो. बताओगे तो यहाँ मेंशन करूंगी ना कि आप कौन है. ओके ये एस सजाद जहूर कहते हैं आप कभी कामयाब आर्टिस्ट नहीं बन सकती. अच्छा ये मुझे बता रही हैं या पूछ रहे हैं ये भी मुझे बता दें क्योंकि आइडिया तो हो ना किस सेंस में बात करें. चौधरी अली कहते हैं फ्रॉम मीरपुर आजाद कश्मीर. ओके थैंक यू सो मच. अच्छा सजाद आप कह रहे हैं कि मैं कभी कामयाब आर्टिस्ट नहीं बन सकती. इसकी रीजन भी जरूर बताइएगा. डेफिनेटली आपको कोई डेफिनेशन सी नजर आई है तो आप बोल रहे हैं तो आप बताइए उसको. डेफिनेटली इंशाल्लाह मैं जरूर दूर करूंगी. हाँ अगर आप ये कहेंगे मैंने दुआ नहीं करनी तो डोंट यू वरी. मेरी अम्मा जान अल्हम्दुलिल्लाह इस दुनिया में मौजूद हैं और हज़रत मूसा से कहा था ना खुदा ने जब उनकी वालदा जो है इस दुनिया में नहीं रही थी उन्हें कहा था ऐ मूसा आप ध्यान से चलना पहाड़ पे क्योंकि अब तेरी माँ इस दुनिया में नहीं है. तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं. मेरे इतने प्यारे व्यूअर्स जो एक नेगेटिव मैसेज पे इतनी जो है ना यहाँ पे तबाहियाँ मचा देते हैं वो मेरे साथ हैं. मेरे जितने प्यारे लिसनर्स हैं वो मेरे साथ है. वो डेफिनेटली अभी भी मेरी कामयाबी डेट इज़ नॉट डिपेंड ऑन मी. ये उनकी सपोर्टिंग है कि मुझे सपोर्ट करें वो मुझे सपोर्ट करते नहीं. आप जरूर बताइए क्या डेफिनेशन से जरूर करेंगे इंशाल्लाह. ओके अब्दुल जब्बार कहते हैं अस्सलाम वालेकुम. अब्दुल जब्बार इतनी यूनान से आपको तमाम सुनने वाले को अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम अब्दुल जब्बार हाय बोलेंगे आपको. अली कहते हैं ओके नवाबी को मेरा सलाम. अच्छा चौधरी आमिर नवाबी को मेरा सलाम फ्राम दुबई. वालेकुम सलाम कहेंगे उनकी तरफ से आपको. अगर वो सुन रही हैं इस समय साथ हैं तो उनको जी आपको सलाम आया रिसीव करें. अहमद कहते हैं अल्लाह ताला सबके सिरों पर बाप का साया हमेशा सलाम रखे. आमीन सुम आमीन. अपने हमारे वालदैन का रखे हमारे चाहने वालों का रखे हमारे वेल विशर्स का रखे हमारे जो सिंसियर लोग हमारे साथ मौजूद होते हैं वो हमेशा हमारे साथ रहें. और अच्छा ये क्वेश्चन ना आप लोग सारे क्वेश्चन जो आज टॉपिक है वो ये है कि जुल्म हमेशा मुसलमानों पर ही क्यों किया जाता है. आपसे एक और क्वेश्चन करूंगी कि क्या नाम था उनका. अच्छा दोबारा से बताइए मुझे बाय नेम भूल गया शायद चौधरी कोई थे. उनका कहना है कि मैं कामयाब आर्टिस्ट नहीं बन सकती. मेरे दूसरे जो व्यूअर्स हैं मेरे दूसरे जो लिसनर्स हैं वो मुझे ज़रूर बताएं क्या वो ठीक कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं या आपकी क्या सजेशन है. आई विल टेक इट नोट दिस. मैं इनका हिजाब ठीक कर लूं आने जाने से पहले. पुलजा इस दुनिया की टेंशन परेशानी हर चीज को पुलजा. अगर याद रख तो अपना नाम याद रख अपनों का नाम याद रख अपने सिंसियर लोगों का नाम याद रख और ये याद रख कि तुमने अपनी लाइफ से क्या सीखा और उसको किस तरह से आगे लेके चलना है. हमेशा इस चीज को याद रखिए. और टाइम हो चुका है क्या हुआ भाई. हाँ 3:55 हो चुके हैं तो टॉपिक मैं दोबारा से बताती चलूँ कि जुल्म हमेशा मुसलमानों पे ही क्यों किया जाता है. नंबर है 0537601961. व्हाट्सएप नंबर है 0302395979797. एक नज़र जो है ये प्यारी प्यारी जो इमेजेस आ रही है ना मुझे जो बेस्ट ऑफ लक की हैं जो हार्ट की हैं और जो स्माइलिंग फेस विद अ हार्ट हैं. चौधरी साहब ज़रा इस पर भी नज़र डालिए इसके बारे में क्या कहते हैं ज़रूर बताइएगा. चौधरी अली कहते हैं कि अकमल को सलाम. ओ चौधरी साहब एक लंबी सारी लिस्ट आना मुझे इकट्ठी दे दीजिए ताकि मैं सबको एक दफ़ा से दे दूँ ताकि सारे दफ़ा सुन लें. अच्छा शेबी आपका कहाँ गया पोट्री गायब हो गया. अहमद कहते हैं कि मेरी
चाय भी आ गई, मेरी चाय तो खत्म भी हो गई है, आपने भी स्टार्ट की है। कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जो है ना इन टाइम लेके आ जाइएगा तो पियेंगे। अच्छा, मेरा जो फेवरेट कलर डेट वन इज व्हाइट, मुझे व्हाइट कलर बहुत अच्छा लगता है। एक टाइम था मैं कहती थी जो लोग व्हाइट कलर को फेवरेट कहते हैं वो पता नहीं क्यों कहते हैं, उसमें ऐसा क्या है, मतलब उसमें कुछ कुछ नहीं मुझे नजर आता था, बाकी कलर जो एक फॉर्म में होते थे, तो मैं कहा ये तो एक ब्लैंक सी चीज है। बट अब याद समझ आया कि व्हाइट कलर की जितनी प्योरिटी है ना, उस शायद ही किसी चीज में हो। अहमद कहते हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह, आप जरूर जी, अगर गायब ना हो तो पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हो। ओके जी, नेक्स्ट ट्रैक और प्ले करते हैं, और ये कोक स्टूडियो से मैंने निकाल के रखा है, कोक स्टूडियो सीजन 3। अच्छा, ये जो वॉइस है ना, मैं कोशिश करती हूँ वैसे वैसे बोलने की ना, कोक स्टूडियो सीजन 14, इस तरह से कुछ बोलते हैं। अच्छा, मुझे बड़ा अच्छा लगता है ना वॉइस को। अच्छा हाँ जी, एस सजा थे जो कह रहे थे कि भाई नहीं बन सके, कहते हैं जो किसी लिसनर की लिखी गई बात को मजाक समझे वो सब कुछ हो सकता है, आरजे नहीं। अच्छा आप शेत, अच्छा ओके ओके, अहमद कहते हैं अल्लाह ताला सबके सिर, ओके अहमद कहते हैं आप पर व्हाइट कलर बहुत प्यारा लगता है, थैंक यू सो मच, बिकॉज आपका दिल भी साफ है। ए क्या बात, क्या बात है, थैंक यू सो मच। ओके जी, सजाद जी सुने क्या ये बात, शेमली कहते हैं ओके। अच्छा पता नहीं सजाद, आपने एस सजाद जो है ना फर्स्ट टाइम मेरे शो में मुझे ज्वाइन किया है, तो वो कहते हैं कि वेरी फर्स्ट टाइम आप किसी के बारे में कोई भी फाइनल स्टेटमेंट नहीं पास कर सकते, क्योंकि आप जानते ही नहीं किसने क्या किया है। तो मैं आपको बताते चलूँ कि आपका जो मैसेज है ना वो इग्नोर नहीं हुआ, क्योंकि आई हैव टू डील अ लॉट ऑफ थिंग्स हेयर, मुझे बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है यहाँ पे, जो मैसेजेस है वो रिस्पॉन्ड करना होता है, पैनल चलाना होता है, टाइम देखना होता है, कॉल्स देखनी होती है कि वो भी अटेंड करनी है, आ रही है कि नहीं, यहाँ पे मुझे ट्रैक्स प्ले करने होते हैं, तो ऑब्वियसली मैं यूं देखूँ कि यहाँ तो नजर नहीं आएगा, जब यहाँ नजर नहीं आएगा तो मैं कैसे रिप्लाई करूंगी। ऐसी बात नहीं है कि इग्नोर किया या मजाक में बात डाली है, तो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया आपकी इस क्वेश्चन से पहले कि मेरा ये होता है कि जो लोग यहाँ पे सैड पोएट्री शेयर करते हैं या सैड हो, तो मैं वो उस बात को फन में लेती हूँ ताकि शायद शायद मेरी एक बात से उनके फेस पे स्माइल आ जाए, वो खुश हो जाए, ये पर्पज मोटिव होता है। ऐसी कोई बात नहीं कि आई एम स्टारिंग ऑन यू तंसिया, नॉट एट ऑल, ऐसा हाउ इज इट पॉसिबल, क्योंकि मैं कौन होती हूँ तंस करने वाली। यासिम अली को हाय बोलेंगे, कहते हैं सो मैं से एक दो खिलाफ हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ यासिम, वैसे मैं आपको यासिम मजे की बात बताऊं, मजा हमेशा ना अपोजिट चीज में आता है, अपोजिशन में मजा आता है। जब आप स्मूथली अपनी लाइफ में चल रहे हो, पीछे आपके सारे क्लैप कर रहे हैं, आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो आप कभी भी अपनी गाड़ी की स्पीड नहीं बढ़ाओगे। ओके, जब आपके अपोजिशन आएगी या आपके कंपटीशन साथ वाला गाड़ी होगा ना, तो आपको पता होगा कि मैंने पहले से बेटर ड्राइविंग करनी है और जो है ना बेस्ट वे में करनी है, तेज स्पीड में करनी है, तो अपोजिशन ही। और मेरी सीरियसली बाय गॉड, मेरी जो जितनी प्रॉस्पेरिटी है मेरी लाइफ की, वो मेरी अपोजिशन के की वजह से ही है। सो आई एम हेयर टूडे थैंक्स टू ऑल माई अपोजिशन, जितने मेरे मुहालफिन थे कि आपने ना मुहालफत करते तो आज मैं यहाँ ना होती, क्योंकि मुझे हमेशा जो पुश करती है वो मुहालफिन करते हैं। थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने का। अहमद कहते हैं आपका FB अकाउंट जो क्या है, मैं मेरा FB अकाउंट जो है डैट वन इज RJ सनिया, RKJ कैपिटल, सनिया के स्पेल है SANNIA, सनिया S कैपिटल है बाकी स्मॉल है, और जो उस पर प्रोफाइल है डैट वाज वायलेंट, वो वायलेंट लगी हुई है। तो मेरे जो पर्सनल आईडी है उस पर भी आप मुझे जरूर सपोर्ट कीजिएगा, मुझे बताइएगा शो के बारे में, सजेशन देना चाहें तो वो भी बताएगा डेफिनेटली, अगर आपको मिसअंडरस्टैंडिंग वो भी दूर करेंगे। ओके मंजूर कहते हैं अस्सलामुअलैकुम, कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। मंजूर आप सुनाए कैसे हैं? इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो आपने काफ़ी टाइम बाद जो है ना शो में ज्वाइन किया है। 4 o'clock हो चुके हैं, एक ब्रेक है, छाएंगे, ब्रेक के बाद हम शो स्टार्ट करेंगे यहीं से। स्टे विद मी। हाँ 4 o'clock, अब जो है मैं जैसे ही लाइव जाऊंगी मैं ब्रेक्स भी अटेंड करूंगी, फिर भी आप क्या कहते हैं मौत का भी ये लास्ट हो शायद, जिंदगी का कोई इलाज नहीं। अच्छा जिंदगी हमने अपनी लाइफ को खुद ही टफ बना, टैक्स कर सकता हूँ इनबॉक्स में FB का। अच्छा मैं FB का इनबॉक्स जो है ना वो नहीं यूज करती हूँ, मैं जस्ट FB यूज करती हूँ, मैसेंजर मैं यूज नहीं करती हूँ। और हाँ उसमें जो मेरी मतलब स्टोरीज वगैरह पे आप डेफिनेटली जरूर मुझे कमेंट्स करके बताइएगा शो के बारे में। और ऐसा जात कहते हैं ऐसा साजदा, एस साजिदा जहूर नाम है मेरा और आप नाम भी गलत दे रही हैं, एस साजिदा, ओके जी। अच्छा ये गुस्सा था आपको कि मतलब आपका नाम गलत दे रही हूँ, तो ठीक है इट्स ओके,
साजिदा नाम है। अच्छा मुझे पता क्या, क्योंकि यहाँ से थोड़ा काफी डिस्टेंस होता है, तो वो वहां से मुझे सजात लग रहा था। सॉरी फॉर डैट, ठीक है। एज साजिदा जहूर, एक्सट्रीमली सॉरी कि आपका नाम मैंने गलत लिया। एज साजिदा जहूर, आप खुश हैं? ठीक है, ओके। और अहमद कहते हैं ओके जी, ठीक, आपका नाम भी गलत, ओके जी। अच्छा व्हाट्सएप पे प्लीज़ कॉल ना कीजिए, व्हाट्सएप पे कॉल नहीं अटेंड हो सकती क्योंकि वहाँ पे वॉइस का इशू होता है, तो फिर पॉसिबिलिटी नहीं होती है। आप लैंडलाइन नंबर है उस पे कॉल करें, मैं डेफिनेटली ज़रूर मस्त 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 अटेंड करूँगी। वैसे एस साजिदा ज़हूर, आपको वैसे किस चीज़ का ग्रज है, किस चीज़ का गुस्सा है, मुझसे शेयर करें, डेफिनेटली आई विल कंसोल यू इंशाल्लाह। आई हैव अ क्वालिटी, गॉड हैड गिफ्टेड मी दिस क्वालिटी टू कंसोल एनी वन, एवरी पर्सन इन एनी पोजिशन ऑफ टेंशन, कसम से। अच्छा जी, मंजूर कहते हैं कि मैं ठीक हूँ, आप बताएं। मैं बहुत देर से देख रहा हूँ आपका प्रोग्राम, थैंक यू सो मच। अच्छा देर आज की पहले की बात कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मंजूर के आप जो हैं मुझे सपोर्ट करते हैं। तो सपोर्ट जो है आपने मेरी पोस्ट को शेयर करके भी की दीजिए और मेरी जो पर्सनल आइडियाज पे भी दीजिए। और फॉर गॉड से, प्लीज़ फॉर गॉड से व्हाट्सएप पे कॉल नहीं करें, यहाँ पे अटेंड नहीं करना पॉसिबल, लैंडलाइन पे करें। अब जो है मैं कॉल्स भी अटेंड करूँगी। वेलकम बैक, खुश आमदीद कहेंगे आप सबको अपने लिसनर एंड व्यूअर्स को। और व्हाट्सएप पे कॉल प्लीज़ नहीं कीजिए, नंबर आपको लैंडलाइन बताते चलो, बल्कि इनफैक्ट एक कॉल है वो अटेंड करते हैं। लेट्स सी हु इज विद अस। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आरजे सनी इज हियर, हु इज विद मी? अंजलि आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज क्यों नहीं आ रही? अब आ रही है? फोन से आपकी आवाज नहीं आ रही, अब आ रही है? कट कट के आ रही है। वैसे आ की समझ आई है, वैसे आई थिंक आपने यही बोला था, बोला होगा कि आ रही है। ओके जी। अच्छा अगर वॉइस का इशू हो ना तो आप जो है अपने वो रेडियो प्ले करके वो हैंड फ्री यूज कर लिया करें। अच्छा अंजलि एक मिनट एक मिनट। जी। अली हसन क्या कहते हैं कि सदा सलामत रहे, थैंक यू सो मच जी, अल्लाह आल्सो कीप यू सेवन साउंड। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, हु इज विद मी, योर नेम? जी अंजलि मैं मनामा बात कर रही हूँ, जिला मंडी से। कैसी हैं आप? मनामा, जी वाओ, इट्स अ ब्यूटीफुल नेम। मनामा का क्या मीनिंग है? अच्छी क्लास वाली। अच्छा आप हो जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, डेफिनेटली नाम का असर तो पर्सनैलिटी पे होता है, और वैसे भी जिसकी माशाल्लाह आवाज इतनी क्यूट है वो बंदा भी तो अच्छा ही होगा ना, ऐसा ही है। मेरी जान, हमसे ज्यादा आपकी आवाज भी अच्छी है, ओह इसीलिए हम लोग आपको अच्छे लगते थैंक यू हैं। सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा मुनामा, कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी को, किसी ने बोला कि व्हाट्स योर गुड नेम, आपने कहा मुनामा, तो उसने कहा जी मुनामा क्या? हुआ ऐसे? हाँ मेरी एक दोस्त है ना, आगे अच्छा उसकी दोस्त है, उसकी हाँ मदर के किस्म की वो कजन लगती है। अच्छा तो वो कह रही थी कि मुझे ना अपने किसी दोस्त से बात करवाओ, तो मैंने ना उसको SMS किया, वो कहती वीडियो कॉल करो। मैंने कहा नहीं, मैं व्हाट्सएप जो है ना यूज नहीं करती, कहती ऐसा हीरा से ले लो। तो अच्छा मैंने कहा नहीं, मैंने वीडियो कॉल से नहीं करती, तो आप ना SMS से बात कर लो। कहती अच्छा आपका नाम क्या है? हाँ तो मैंने सिर्फ अपना नाम ही लिख के भेजा, कहती है क्या मतलब, मुझे समझ नहीं आ रही। माय गॉड। अच्छा अच्छा फील होता है आपको कभी कि मेरा नाम क्या डिफरेंस है? अच्छा मीनिंग भी है। हाँ हाँ दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। अच्छा आज से टॉपिक आपने सुने, क्या टॉपिक है? Exactly. जबरदस्त, बहुत प्यारी बात की है मनामा, इसलिए तो मैंने कहा था आप अपने नाम की तरह ही हो ना।
ओके अजनी, और अजनी जाते जाते एक छोटी सी गजल है अगर आपकी इजाजत हो तो। जी श्योर श्योर व्हाई नॉट। अच्छा जी मैं डेडिकेट करूंगी आपको, ठीक है? ओके ठीक है, सही हो गया। इधर देखिए मेरी तरफ। जी जी जरूर जरूर। इरशाद इरशाद। ये सफर में शाम होने तक तो मेरे साथ रह जाओ, ये सफर में शाम होने तक तो मेरे साथ रह जाओ, नया मंजर उतरने तक तो मेरे साथ रह जाओ। अभी जमी लहू रोती हुई आंखें आपके कदमों से लिपती हैं। ओके लहू रोती हुई आंखें आपके कदमों से लिपती हैं, मेरे आंसू बहने तक तो मेरे साथ रह जाओ। ओह माय गॉड। और तुम्हें मालूम है कि मुझे खजान से खौफ आता है, तुम्हें मालूम है कि मुझे खजान से खौफ आता है, तो ये मौसम गुजरने तक तो मेरे साथ रह जाओ। कमाल कमाल। अभी जानी फिर उसके बाद देखो जहाँ चाहे चली जाना, फिर उसके बाद देखो जहाँ चाहे चली जाना, मेरी सांसें बिखरने तक तो मेरे साथ रह जाओ। आला लहू रोती हुई आंखें आपके कदमों से दिखती हैं, मेरे आंसू ठहरने तक तो मेरे साथ रह जाओ। वाह कमाल। मनामा आपका एक्सेंट भी बहुत अच्छा है, आपका एक्सेंट बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया मनामा। आते जाते रहिएगा। नहीं नहीं फर्स्ट टाइम। सेकंड टाइम मुझे वो दिन याद है, अभी तक मुझे याद है, संडे का दिन था और मैं उसके बाद आपका संडे वाले दिन नहीं, मैं आपका वेट करती रही हूँ। नहीं नहीं मनामा, मेरा मेरा ओनली सैटरडे को शो होता है, जस्ट सैटरडे। हाँ ओके ओके ओके। अच्छा मनामा आना तो फिर चले भी जाना है, यहाँ बैठे नहीं रहना, ठीक है? ठीक है मैं चली ओके। मैंने बोले आपको बताया ना मैंने क्या आपको बोला? क्या बोला? फिर उसके बाद देखो जहाँ चाहे चली चली। ओके थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ठीक है। आपका प्रोग्राम हमेशा की तरह बहुत अच्छा, थैंक यू, बहुत लवली सा है, बिल्कुल आपकी तरह। थैंक यू सो मच। खुश रहिए, सलामत रहिए, अपने प्यारों में हंसती मुस्कुराती रही और हमारा साथ देती रही। गुड बाय। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ठीक है मनामा, बहुत प्यारी हमारी कॉलर थी, और हमेशा जो है ना इंसान अपनी जबान अपनी बातों से प्यारा लगता है एक कॉलर। लेकिन यहाँ पे जो है एस साजिदा जरूर कहते हैं कि आपके शो में आना जाना लगा रहेगा। मोस्ट वेलकम जी, मोस्ट वेलकम, थैंक यू सो मच। हमेशा की तरह आप दूसरे जो मेरे व्यूज है उससे ज्यादा आप रिस्पेक्टेबल है मेरे लिए। क्यों? क्योंकि आप जो है अच्छा लगता है कि आप किसी की मुझे मिस्टेक बताएं कि मेरी कहाँ पे क्या मिस्टेक थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ऐसा ना तो इग्नोरिंग ना जो है, अगर आप फील हुआ है ऐसा हुआ नहीं मेरी तरफ साइड से नहीं कि मतलब आप मैंने किसी की बात को मजाक में उड़ाया, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच साजिदा। और अली हसन मुझे कहते हैं मैम कॉल भी करें। ओके जी कर लेते हैं, कॉल तो करो जरा तुसी जनाब, कॉल भी अटेंड करेंगे। ओके जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आर यू अली हसन? अच्छा पहले हम जाते नहीं नहीं सुने जैगम, पता क्या बात है, सुनिए मेरी, यहाँ पे ना एफ बी पे मुझे मैसेज आया है अली हसन का कि मैम कॉल पिक करें, तो मुझे याद था कि शायद वही है। एनीवेज एकदम देखो आपने नाम नहीं बताया, मैंने गेस कर लिया। अच्छा आवाज जैगम कैसे हैं? क्या कहोगे वेदर के बारे में? वेदर वालों आपको चैलेंज होगी, क्या मैं उनको यही मैसेज दे रहा हूँ कि आप लोग कॉल लगाएं। हाँ टेंट हो जाएगी ना। अच्छा ये भी बात ठीक है। अच्छा एफ बी वाले आपको ना आप हाँ जैगम ने आपको खुला चैलेंज कर दिया, कॉल तो करते शरते नहीं हो, कह रही हो कि मतलब कॉल नहीं है, हमजा भाई ने किस ना टाइम आना। ओके अच्छा जैगम वेदर के बारे में क्या हो गया, काफी सडनली चेंज हो गया है ना वेदर? मैं वेदर की बात कर रही हूँ। हाँ अगर तो सनी डे हो ना तो फिर तो काफी, लेकिन ट्रेन में थोड़ी ठंड हो जाती है। हाँ अच्छा आपके वहाँ बारिश थी? हाँ
कल रात को बारिश थी। हाँ जी, हाँ जी, काफी हाँ, उससे थोड़ा सा चेंज, बारिश लेकिन हुई है लेकिन जैसे उसका। सनलाइट होती है तो फौरन जो है ना एक हॉट सा डे हो जाता है। हाँ जी। अच्छा जैगम, आपने टॉपिक सुने? नहीं। टॉपिक है कि जुल्म हमेशा मुसलमानों पे ही क्यों किया जाता है। मुसलमानों पे क्यों किया हाँ जाता है? क्योंकि मुसलमानों को नॉन मुस्लिम जो है वो मतलब अपने आप को ज्यादा बेहतर समझते हैं। ठीक, एक बात तो ये है, दूसरा ओके, ये है कि हमारा जो मतलब मजहब है ओके, इस्लाम, क्या वो उसमें लड़ाई झगड़े हाँ, और मतलब जंग में जो है वो पहल करने की इजाजत बिल्कुल नहीं देता है। इवन अगर एक्सैक्टली, आप नेक्स्ट टाइम सॉरी नेक्स्ट अगर तरफ से ज्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है, फिर भी हमारा इस्लाम जो हमें पूरा मन रहने की जो है वो एक्सैक्टली हुक्म दे रहा है। पीस का बोलता है, यूनिक सही। रीजन ये भी है, हाँ तो रीजन तो बता दी है। आपके 10/10, ठीक है। तो यही है कि जुल्म जो है वो बर्दाश्त करना भी जो है ना वो एक लिमिट उसकी हाँ होती है, क्योंकि अल्लाह ताला कहता है कि जो जुल्म कर रहा है वो तो डेफिनेटली उसकी सजा है, लेकिन जुल्म एक्सैक्टली, सहना जो है ना वो भी ठीक नहीं होता। ठीक, सही हो गया। अच्छा जल्दी से कोई मैसेज दे दें, जयगम जयगम मैसेज दे दें। सुनिए, उनको शाम कहना चाहूंगा, लड़कियों लड़कों के लिए मैसेज है, क्या सोशल मीडिया का कम से कम इस्तेमाल करो, स्पेशली जो हमारी बच्चियां हैं बेटियां उनको, क्योंकि आपके पेरेंट्स की रिस्पेक्ट आपकी वजह से है, ठीक है। सोशल एक्सैक्टली exactly. मीडिया से दूर रहें और बिना वजह का इस्तेमाल ना करें। एक्सैक्टली बहुत बहुत अच्छी बात की है। और सीरियसली हाँ जाएगा, जी, मैं तो और यू मैं हाँ मुझे मैं सोसाइटी के अंदर मूव कर रहा हूँ, मुझे देखने में एक चीज ज्यादा आ रही है कि जो बेटी के वालदैन हैं वो मतलब उनका नकामत से सर झुक जाता है और सारी जिंदगी के लिए वो फिर मतलब दाव समझ लें, एक्सैक्टली ऐसी है, ऐसी वो है, तबका नहीं है, चाहे आप जो मर्जी कर लो। तो ऐसी ही, ऐसी है। थोड़ा सा जो ना स्टेप, स्पेशली जो हमारी बच्चियां सुन रही हैं, बेटियां सुन रही हैं, बहनें सुन रही हैं, सोच के उठाना पड़ेगा आपको। इंशाल्लाह जरूर। थैंक यू सो मच जैगम, आपका शो बहुत अच्छा है, सेंटी कर मुझे दिया आपके आपने फेवरेट मुझे, कलर, आपने मेरा अपने मैसेज फेवरेट सुना। कलर भी वाइट, मेरा फेवरेट कलर भी वाइट ही है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जैगम ने सेंटी कर दिया। अच्छा ऐसा सारिता ने बड़ी प्यारी सी जो बरसी हमें भेजी, कहते हैं हम दीवाने थे दीवाने ही रहे, हम नए शहरों में रह कर भी पुराने ही रहे, दिल की बस्ती में हजारों इंकलाब आए मगर हमारे दिल के मौसम सुहाने थे सुहाने ही रहे। आप बहुत अहम जिंदगी, ओके जी, क्या लिखा हुआ है, जिंदगी और कामयाबी के लिए दुआगो रहूंगी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया है एस साजिदा जहूर। ओके जी, टाइम हो चुके, क्या हुआ जी, 14 कॉल लेकर अटेंड कर लेते हैं। लेट्स सी हु इज विद अस। अस्सलाम वालेकुम, आज सनिया इज हेयर। क्या वालेकुम अस्सलाम हाल चाल? हमजा। नहीं, अच्छा फिर कौन? मैं छोटा हमसी होगी ना, हमजा छोटी, ये बड़ी, ये हमजा, ये और कौन हो? हमजा कैसे हो, सा हमजा कैसे हैं? था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। और अच्छा पूछा जा रहा है कि हमजा भाई ने किस टाइम है, हमजा भाई का आई थिंक सो आज 9 o'clock शो होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसे ही है हमजा? हमजा भाई गोवा में है। नहीं, हमजा आरजे हमजा की बात हो रही है। हाँ हाँ ठीक से ये गया। अच्छा हमसा, वैसे आपसे ना, आप मुझे लगता है आप छोटे से बच्चे हो, और मेरा दिल नहीं करता आपसे, मेरा दिल नहीं करता आपसे कोई सीरियस बात या सीरियस टॉपिक पे बात करने को, तो मुझे खुद ही कोई बात सुना दो। छोटा ओके, छोटे नहीं हो तो मोटे हो। मोटा अच्छा पतले सारे हो। अच्छा क्या कहोगे हमसा आज? भी नहीं, हमसा मुझे कोई ना आज जोक सुनाओ, अच्छे वाला। मेरे से बड़ा जोकर नहीं, तुम तो जोकर हो ना, मुझे जोक सुनना है। मैंने जोकर ने मुझे बनाया जोक ही बना। अच्छा ठीक से ही हो गया। अच्छा क्या मैसेज देंगे? टॉपिक वैसे आज है कि जुल्म हमेशा मुसलमानों पे ही क्यों किया जाता है। मुसलमान शायद जुल्म ज्यादा बर्दाश्त कर सकते हैं क्योंकि उनके साथ चलने की ताकत नहीं है। नहीं,
डेफिनेटली जो बंदा राइट पे है ना, क्योंकि एक मुस्लिम को पता है कि उसने जब इस दुनिया से जाना है तो डायरेक्टली उसे जन्नत मिलेगी, वो शहीद है। हाँ, लेकिन बात ये है कि और भी तो रिलीजन्स हैं, उन पे क्यों नहीं ऐसा होता जो इस वक्त इंडिया में हो रहा है या दूसरी कंट्रीज में हो रहा है मुसलमानों पे, क्यों, व्हाई? पता कि वो मुसलमानों पे जुल्म क्यों करते हैं हाँ और हर जगह ही मुसलमानों पे क्यों इतना जुल्म होता है। हाँ और जुल्म मुसलमान वो हो जाते हैं कि बाद में जब वो उनकी आह निकलती है ना और वो फिर आसमान तक जाती है और फिर जो वो जुल्म करते हैं ना और उनका भी फिर दर्दनाक अंजाम होता है। एग्जैक्टली ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक कहा। जो आजकल हो रहा है कश्मीर। एग्जैक्टली ऐसे ही है, ऐसे ही है। और कोई मैसेज देना चाहेंगे जल्दी से? मैसेज तो मैंने भी ब्रेक लेनी है। अच्छा, फिर कॉल बंद करो, मैं ब्रेक पे जाऊं। नहीं, ब्रेक पे आज ना जाए, जाना जरूरी है ना। अच्छा, छोटी मोटी बनी है ना। हाँ हाँ उसको भी ओके जी, सबकी तरफ से वालेकुम अस्सलाम और जान छोड़ो मेरी। ओके ओके, वालेकुम अस्सलाम सबकी तरफ, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। पर जल्दी से ब्रेक पे जाएं इससे पहले के ब्रेक हमें ले ले, कहाँ गई है ब्रेक। ओके सनीश, आपको हाय बोलें कि कहते हैं कि सीमोर, सीमोर में देखें क्या कह रही है सनीश। हाय हाय हाय, हेलो, कैसी हो जर्निश? लेट हो गया आज, कहाँ रह गए थे? अच्छा जी, बस एक सलाम चौधरी हमजा को फ्रॉम लाहौर से। ओके जी, वालेकुम सलाम, देते देते वैसे पूरा जो है ना लाहौर आपने फुल कर दिया, सबको सलाम दे के। एनीवेज जी, कोई बात नहीं, ये प्लेटफॉर्म है इसीलिए कि आप वो लोग जो अपनी लाइफ में बहुत दूर निकल चुके हैं, बिजी हैं और कभी इन कॉन्टैक्ट नहीं हो सकते, तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप दूसरे को रिमाइंड कर सकते हो, याद कर सकते हो, मिस कर सकते हो, मैसेजेस दे सकते हो। तो दो जी दिल खोल के सलाम दे। जर्निश कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, सही हो गया जर्निश, आपका नाम वैसे माशाल्लाह बहुत प्यारा है। अच्छा, एस साजिदा कहती हैं सिस्टर आपका नाम जिस दिल में रहा करती थी, सिस्टर आपका नाम जिस दिल में रहा करती थी या तुम्हारी हमेशा, वो दिल भी तुम्हें दे दिया, वो दिल भी तुम्हें दे दिया, क्या याद करोगे? आए हाय, वाह वाह, क्या बात है, ऐसे क्या यू टर्न दिए हैं साजिदा, थैंक यू सो मच जी। इंसान हमेशा बहुत प्यारा होता है लेकिन सम टाइम मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हो जाता है, लेकिन इट्स ओके, एनीवे थैंक यू सो मच। और नाम जो है ना, आज सुनिया नाम है मेरा, इस ना चीज़ का नाम, ना चीज़ भी वैसे कोई चीज़ ही होती है, मैं तो वो भी नहीं हूँ। जनीश कहती है आज मुझे गिफ्ट मिला था टीचर से, इस वजह से ले टीचर ही से गिफ्ट मिला, तो आई थिंक सो आप तो एक्साइटेड इतनी होंगे कि आपको जल्दी से मैं आने जाऊँ और जाके अपनी जो जो गिफ्ट है ना वो सबसे शेयर करूँ। तो मुझे जो है व्हाट्सअप नंबर पर ज़रूर आप सेंड करो कि आपको आपकी किस टीचर ने क्या गिफ्ट किया, डेफिनेटली मैं यहाँ पे बैठ के आपके उस टीचर को थैंक यू बोलूँगी। व्हाट्सअप नंबर हमारा 03023959797 है। जनीश कहते हैं कि 11 मिनट हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह, ओके ठीक है जी, सही हो गया, वैसे मुझे समझ नहीं आपने क्या बात किया। अली कहते हैं कि शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, ठीक है सही हो गया। जनीश कहते हैं हाँ ना लेट आई, अच्छा ठीक है, मदरसे से लेट हो गया जी, ठीक सही हो गया। अच्छा जनीश, मुझे व्हाट्सअप जरूर कीजिएगा आपके टीचर ने जो गिफ्ट दिया, और टीचर का जो गिफ्ट होता है ना वो हमारी एक पूरी लाइफ बना देता है, और अपनी इस गिफ्ट में आप वो एक जो है ना प्यार कीजिएगा, सिर्फ उसको आपने नहीं देखना, टीचर ने एक जो आपको स्टेटस दिया, आपको अप्रिशिएट किया ना कि इतने सारे स्टूडेंट में से ओनली यू आर एबल टू गिव गिफ्ट, कि आपको गिफ्ट क्यों दिया है, इस इसको ज़रूर नोट करना। ओके जी, टाइम हो चुका है यहाँ पे 4:20, ऑनर चलते हैं। हाय हेलो बोलेंगे तमाम लिस्टर इंटरव्यूअर्स को, जनीश कहती हैं हाँ जी ओके अभी करती हूँ। ओके जी, मैं डेफिनेटली यहाँ पे शेयर करूँगी, कॉलर हमारे समझूद है, लेकिन उससे पहले हाँ कॉल अटेंड कर लें, देखते हैं कौन है हमारे साथ इस टाइम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, गुड आफ्टरनून, वेलकम, कैसे हैं आप? गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग एंड ईच एंड एवरीथिंग, कैसे हैं दीजा? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं, आपकी दुआएं, थैंक यू सो मच। और हदीजा, मुझे आज जो टॉपिक है वो थोड़ा सा सीरियस है। बिल्कुल, मैंने टॉपिक सुना
हाँ, और आप तो माशाल्लाह जो है काफी नॉलेज है आपके पास कुरान और हदीस का, क्या कहते हो? बिल्कुल कुरान पाक के एकांत में आता है कि कहते हैं कि जो अल्लाह ताला के आगे मारा जाए उन्हें मुर्दा ना कहो, बल्कि वो तो जिंदा है लेकिन आप इस चीज की खबर नहीं। एग्जैक्टली ठीक, लेकिन जुल्म मुसलमानों पे क्यों किया जाता है, ऐसा क्यों है? मुसलमानों पे इसलिए जुल्म किया जाता है क्योंकि मुसलमानों के अंदर इतनी बर्दाश्त होती है, उसको पता होता है कि मुसलमान बर्दाश्त कर सकते हैं तब भी वो जुल्म करता है, अगर उन्हें पता होगा कि हमारे मुंह पे हमें दे मारेंगे तो फिर वो मतलब फिर जुल्म ना करे, लेकिन फिर मैं कहती हूँ कि जो करेगा वो ही भरेगा, जो किसी के साथ गलत करता है अल्लाह ताला की जात से तो देख रही है, अगर अगला बंदा चुप कर देता ना तो फिर बदला अल्लाह ताला की जात से देती है और अल्लाह ताला की जात को ही छोड़ देना चाहिए कि वो अपनी बदला लेना चाहिए। ठीक ठीक, सही सही, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो चलिए, इसके अलावा जो है ना, मैं बस ये कहती हूँ कि जितनी इस वक्त पूरी वर्ल्ड में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, हमें उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, और कुछ नहीं तो अपने हाथ उठाकर उनके लिए दुआ हम कर सकते हैं। बिल्कुल, जाहिर इस वक्त मैं तो जब दुआ के लिए हाथ करती हूँ सबके लिए दुआ करती हूँ, और जाहिर इस बात है कभी जुल्म हो रहा है तो कभी रहना चाहिए ना, चुप रहते नहीं तो फिर अब कहते हैं कि एक बंदा चुप रह रहा है, जाहिर इस बात है कि अगले को और मौका मिलता है, उससे भी ज्यादा मौका मिलता है कि इस पर जुल्म करें, मतलब की ज्यादा करें, जब आगे वाले अपना जोर जवाब देगा तो उनको भी पता चल जाएगा कि इनमें भी थोड़ी सी ताकत है। हाँ ठीक, सही हो गया, ऐसे ही सी बात है। थैंक यू सो मच अदीजा, और कोई मैसेज देंगे? थैंक यू, बहुत शुक्रिया। इसके अलावा सभी सुनने वालों को सलाम करते हैं, हमजा को बहुत शुक्रिया मुझे सलाम दिया, और इसके अलावा जो भी मुझे सलाम दे रहे थे मेरी तरफ से उनको भी ढेर ढेर सलाम दुआएं, और मैसेज ये देना चाहूँ कैसे है कि खूबसूरत लोग खूबसूरत चेहरे से नहीं खूबसूरत दिल से पहचाने जाता है, तो इंसान का दिल देखना चाहिए। एग्जैक्टली, जबरदस्त, ऐसी ही बात है, और सूरत वो है जो आज है कल नहीं, सीरत इंसान खुद बना सकता है, ऐसे ही है ना। इस वक्त सीरत तो हमेशा इंसान की रहती है ना, लेकिन नाम उनका तब भी रहता है दुनिया में। ठीक ठीक, ऐसे ही है। थैंक यू सो मच हदीजा, गॉड ब्लेस यू, बहुत शुक्रिया, टेक केयर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया, हदीजा हमारे साथ मौजूद थी, और साजिदा ने हमारा अम्मी जो है ना मैसेज किया, क्या कहती हैं कि सिस्टर आरजे सोनिया नहीं सनिया, देखा आपने मेरा नाम जो है ना वो मेरी छोटी सिस्टर का नाम ले लिया, सोनिया हमारी जो है ना एक कॉलर भी है, सनिया नाम है मेरा, SANNIA के नाम से मौजूद है। और थैंक यू सो मच, आपने इतनी प्यारी वर्सेस जो हमें कॉल अटेंड करी थी, साथ में वर्सेस पढ़ी थी, बहुत शुक्रिया। मतलब क्या कहते हैं, मैं तो वैसे इस काबिल नहीं, लेकिन आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है ना मेरे बारे में कह दिया, बहुत शुक्रिया। हसानी जराल हमारे समझौते कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, सलाम हसानी, कहाँ रह गए थे, काफ़ी लेट हो गया आज आप, और हसानी भी मेरी पोस्ट पे हमेशा पॉजिटिवली और सपोर्ट करते हैं मुझे, बहुत शुक्रिया हसानी। और यहाँ पे जो है ना लाइव आपको थैंक यू बोला है, अच्छा जर्नीश ने हमारे साथ ये शेयर किया है, उनकी टीचर ने उनको ये गिफ्ट दिया है, और आई थिंक सो इट्स अ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट्स अ ड्रेस और साथ में काउंटर है। जर्नीश ऐसे ही है ना, लुक एट दिस, कंग्रेचुलेशंस टू यू जर्नीश, आपकी इस अचीवमेंट पे बहुत बहुत आपको मुबारक हो, और इसी तरह से गिफ्ट्स लेते रहे। माई गिफ्ट बुक एंड काउंटर, अच्छा बुक एंड काउंटर है, ठीक है, मुझे ड्रेस लग रहा था, अच्छा पैकिंग में है ना शायद इसलिए। तो बहुत शुक्रिया, आपने अपनी जो ये हैप्पीनेस हमसे शेयर की, और आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो, इतने सालों में से मेरी प्यारी व्यूअर्स को मिला है, तो इसका मतलब है कि ये हमारी भी अचीवमेंट है। ओके जी, थैंक यू सो मच। बाकी जो मैसेजेस हैं वो मैं इंशाल्लाह लास्ट पे ज़रूर शामिल करूँगी। और कॉलर मसम जूदे कॉल अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ओके ड्रॉप होगी, डेफिनेटली मैं दोबारा अटेंड करूंगी। एंजॉय दिस ट्रैक, कोक स्टूडियोस, कोक स्टूडियो सीजन 14। अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, मुझे ये बताइए आपका प्यारा सा नाम। ओह माय गॉड, ओके जी, अच्छा बताएं कि क्या कहेंगे शो के बारे में, देख रहे हो आप? सुना है आपने, बहुत शुक्रिया, फर्स्ट टाइम सुना मेरा शो? नहीं, अच्छा मेरे आप नए कॉलर हो, आपको आप बहुत मुझे खुशी हुई है कि आपने मेरे शो में मुझे कॉल किया है, थैंक यू सो मच। और क्या कहेंगे शो के बारे में? ओके क्या नहीं मैं मेरा नाम सनिया है, आरजे सनिया जी।
नहीं नहीं सनिया नाम है मेरा, सनिया नाम है। ओके बहुत शुक्र जी, क्या मैसेज देंगे, कोई पैगाम देना चाहेंगे? मेरी तरफ से आपकी पूरी टीम ने सलाम, लवली ग्रुप ने सलाम, और अगला गाना जितना भी लगा लवली ग्रुप के नाम का वो मोस्ट होगा, मस्ट होगा। मैं अगला जो सॉन्ग है वो स्पेशली निकाल के ना लवली ग्रुप के नाम कर देती हूँ, ठीक है? लवली ग्रुप के नाम का गाना स्पेशली गाना है, ठीक है? डेफिनेटली आप सुनते रहिएगा अगला गाना उन्हीं के नाम, ठीक है? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ओके जी, हाँ जी सनीश, मैंने आपका गिफ्ट देखा है एंड दैट्स सो ब्यूटीफुल। और किताब जो होती है ना, नॉलेज एक समंदर होता है, तो ये आपकी टीचर ने जैसे आपको बुक नहीं पूरा समंदर आपको गिफ्ट कर दिया है। और हसानी भी आपको कंग्रेचुलेट्स कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो। कोक स्टूडियो सीजन 14 नेड़े नेड़े वहां से मैंने ये ट्रैक प्ले किया। सनीश कहती हैं थैंक यू, आपकी मेरी भतीजी। ओके हैं, ये क्या आपने बोल दिया वैसे, ठीक सही हो गया सनी के, थैंक्स अ लॉट सनी। ओके जी, ना प्यार करनी आसानी कह रहे हैं, मेरे ख्याल में ना इत्तेफाकी की वजह से मुस्लिम ममालिक एक हो जाएं तो शायद ये जुल्म रुक जाए। अच्छा आसानी, आपकी इस बात से ना मुझे याद आया, जब इस्लामिक कंट्री जो ना सऊदी अरेबिया से बढ़ के हम किसी को नहीं कंसीडर करते, अच्छा वही हमारे साथ नहीं है, वही जो है हमारे अपोजिशन, सबसे पहले हमारी जो अपोजिशन है वो इंडिया है, उसके साथ है, तो बाकी उसके बाद हम क्या कर सकते हैं। जनीश कहती है कि आंटी बोला ना। ओके जी ठीक सही हो गया। ओके 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 ये क्या हो गया, ब्रेक 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 कैसे लग गई। गुड इवनिंग, हम बहुत जल्दी गुड आफ्टरनून से गुड इवनिंग की तरफ आ चुके हैं, और ये जो शाम ये रात और नेक्स्ट जो डे है ना, एक खूबसूरत सा इंशाल्लाह आप सबकी लाइफ में एक अच्छा सा चेंज लेके आए। अल्लाह सबकी जो है वो जितनी डिफ़िकल्टीज हैं उनको ख़त्म करें, आपकी मदद करें। हामिन सुमामिन एक कॉलर हैं हमारे साथ, देखते हैं कि हु इज़ विद अस। अस्सलाम वालेकुम, माजी सुनिए इज़ विद बिजू। हेलो अस्सलाम वालेकुम, आरजी सुनिए इज़ हियर। वालेकुम अस्सलाम, मेरे प्यारे से भाई का क्या नाम है? भाई का नाम मैं बताता हूँ, काफी ये बीजीएम जाने ये वाला नहीं पसंद, पहले वाला पसंद था। जो दूसरे वाला था वाला। अच्छा मैं वैसे बीजीएम जो है ना वो एक अलग से अपना नया जो है ना वो स्टार्ट करना चाह रही हूँ, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा, तो ठीक है। ओके ओके ओके, मैं नहीं चलाऊंगी, नहीं प्ले करूंगी। ओके पक्का इंशाल्लाह, ये नहीं होगा और कुछ होना हो। ओके 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 जी, ओके थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। ओके जी, अच्छा नेक्स्ट जो है ना ट्रैक, ये जो है लवली ग्रुप को हम डेडिकेट करते हैं एक रिक्वेस्ट पे, और लवली ग्रुप के जो सारे मेंबर्स हैं ना खुश हो जाएं कि आपको जो है एक सॉन्ग डेडिकेट किया जा रहा है। ओके
ओके 4:31 हो गए, ब्रेक पे जाते हैं, उसके बाद ये इसी सॉन्ग से जो है ना हम अपना स्टार्ट करेंगे. सो थोड़ी सी ब्रेक है, उसके बाद मेरी सांस स्टे कीजिएगा. फोर थर्टी वन हो चुकी है. आप जो है इस लिंक में मैं जो है आपके व्हाट्सएप मैसेजेस वो भी शामिल करूंगी, अगर आपके सिम पे मैसेजेस हैं वो भी शामिल करूंगी, और साथ में मेरी जो लिस्ट है उसमें से एक सॉन्ग रहेगी जो मैंने प्ले करना है. बाकी आज रिक्वेस्ट जो है ना वो हमें बहुत कम आई है. एक जो डेडिकेट करने को कहा गया था वो मैंने रख लिया, वो उसको हम प्ले करेंगे. अच्छा मैं नोट कर रही हूँ आप जो कमर्शियल्स हैं वो काफ़ी लंबी लंबी हैं. मैं आई वॉज हैप्पी कि थैंक्स टू गॉड 97 का जो स्टूडेंट यहाँ पे लॉन्ग कमर्शियल्स नहीं है, और अदरवाइज जो है ना दिल एफएम वहाँ पे बहुत लंबी कमर्शियल्स हुआ करती थी, और मैं आई वॉज जस्ट लाइक दिस ना कि मतलब काफ़ी हद मौका अब जो है मैं आगे शो स्टार्ट करूँगी, लेकिन यहाँ पे भी ना कुछ है जो लॉन्ग ब्रेक्स है. लेकिन एनीवेज उसके बाद जो है हम प्ले करेंगे. 4:32 हो चुके हैं. फैसल बॉबी हमारे साथ मौजूद हैं. ओके जी, हाय फैसल. हाय बोलेंगे आपको, कैसे हो फैसल? अच्छा फैसल, जो अगर आपने कहना ना कि यूट्यूब चैनल वो अभी तक मैंने नहीं बनाया, सो क्या बस कह ले कि कुछ टाइम ही नहीं निकल पा रहा, समझ ही नहीं आ रही कि कहाँ क्या करना है, लेकिन बन जाएगा इंशाल्लाह. फैसल वो भी कहते हैं आपने चैनल ओपन कर लिया. कर ले सुन लें. अच्छा ये भी ठीक है कि चैनल ओपन कर ले, खुदा का नाम है सुन लें, तो उसमें ज़रा टाइम चाहिए होता है जो मेरे पास अभी ना टाइम निकल नहीं रहा. लेकिन मेरी इंटेंशन डेफिनेटली आपकी जो है ना ये सजेशन से पहले भी थी, तो इंशाल्लाह ज़रूर होगी. लेकिन आई विल फील हैप्पी अगर आप इसके अलावा भी मुझसे कोई बात करें और बताएं कि मतलब आप वहाँ पे किस तरह से सर्वाइव करते हैं, क्योंकि अपनी फैमिली से बहुत दूर है, और फैमिली से दूर है कि बड़ा टफ टाइम होता है, लेकिन एनीवेज भी बंदा है ग्रेजुअली यूज हो जाता है. तो ज़रूर बताइएगा कैसे चल रही हो आपकी लाइफ वहाँ पे. और जब चैनल ओपन किया तो आपकी टिक करके जो है ना वो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा. मेरा भी पेज ही नहीं बन रहा, मैं आप चैनल की बात कर रहे हो, पेज ही नहीं बन रहा, तो उसके बाद जो है बाकी बातें होंगी. अच्छा वेदर काफ़ी चेंज हो चुका है. प्रीवियस डे जो है ना, प्रीवियस नाइट एग्जैक्टली, तब थोड़ी सी ना कह लें कि नॉर्मल हो चुका, लेकिन जैसे वो बारिश हुई, रेनी डे हुआ, कल रात को बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो हवा भी ठंडी चल रही थी, और बारिश वजह ना हवा ठंडी चल रही है, लेकिन शाम जो वो जो है ना सनलाइट की वजह से एक हॉट डे सी फीलिंग आती है. तो अगर जैसे ही वेदर चेंज हुआ कि मतलब धूप में बैठना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, तो सब ये कहते थे कि बस जो है ना अल्लाह करे कि बारिश हो जाए ताकि मौसम अच्छा हो जाए. रैप बनाना मुश्किल है, लेकिन उसके बाद इसको जो है ना बोलना वो से रिजल्ट ऑफ है, लेकिन उन लोगों के लिए जिनको इसकी समझ नहीं आती ना लाइक मी. तो ये जो है ये लवली ग्रुप की हमने डेडिकेट की है. एंजॉय दिस ट्रैक. आज मेरा जो स्टॉलर है ना वो फ्लफी है, बहुत ज़्यादा फ्लफी है, तो वो जो है ना ये एक यूं करके उसकी एक फॉर्म सी आ जाती है, बार बार फिर जो है ना मुझे ठीक करना पड़ता है. ऐसे लगता है जैसे बहुत ज़्यादा मैंने वो लिया हुआ, लेकिन इतना है नहीं है. ये भी जो है कोक स्टूडियो सीजन 14, वहां से मैंने ट्रैक निकाला है ये दुनिया. ओके जी मैसी जी शामिल कर ले. जनीश कहते हैं नाइस लग रहा स्टॉलर. हाँ नाइस लग रहे हैं, लेकिन फ्लफी है ना बहुत ज़्यादा. अच्छा फैसल वो भी कहते हैं कि बाय बाय फैसल, आते हो तो मुझे ना यूट्यूब चैनल याद करवा कर चले जाते हैं. और जैसे ही आपने लिखा ना फैसल बॉबी, तो मैंने कहा डेफिनेटली अब बॉबी ने मुझे कहना है कि आपने चैनल नहीं बनाया. फैसल पहले ये तो दुआ करें मैं अपना पेज तो बना लूँ, पेज ही नहीं बन रहा. ओके जी मैसेजेस क्या हुआ वैसे टाइम? 4:36 हो चुके हैं. मैसेजेस शामिल कर लें क्योंकि उसके बाद जो है फिर मैं आपसे वाइंड अप भी करना होता है टॉपिक को. अच्छा ये कौन है? दुआ पाठ हमारे साथ मौजूद है. दुआ ने आज कॉल नहीं की है. दुआ कैसे हो? अगर सुन रही हो
तो कॉल क्यों नहीं की? कहते हैं कि हाय अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, और कहते हैं कैसी हैं आप, शो बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच, लवली, क्यूट, नाइस, ऑसम, ओके, हाँ न्यू बीजीएम लेके आओ प्लीज़। ठीक है जी, अब जो है ना मुझे पता है आप सबने कहना है कि बीजीएम चेंज करें, कि ठीक है आप सबकी जो क्या कहते हैं कि हुक्म सर आंखों पे चेंज कर लेते हैं। आगे कहते हैं इधर भी नरासी नज़र करम कर दो, अब एफ बी वालों को छोड़ो, व्हाट्सएप वालों की तरफ आ जाओ। ओके जी दुआ, अच्छा वैसे मैसेज दे दिए, आ गया आपकी तरफ। अच्छा उसके बाद कौन है हमारे साथ, सिबान हमारे साथ मौजूद हैं, ओके जी उनको थैंक यू बोलेंगे। और साथ में कौन है ये, हाँ कहते हैं आप ही सब मेरी कॉल यहाँ से ही पिक करते हैं। अच्छा मैं पिक तो कर लूँ लेकिन यहाँ पे जो है ना आपकी वॉइस का इशू होता है। चलिए ठीक है आप कॉल करो, मैं फिर पिक कर लेती हूँ, कर लेते हैं चेक, अगर आपकी आवाज़ ठीक आती है तो कर लेते हैं। प्लीज़ आप भी करें, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। अच्छा कहने की बात नहीं, वॉइस का इशू होता है ना, मुझे ये था कि आपकी आवाज़ नहीं आएगी। और कहते हैं कि अतर्स साहब भी नहीं, अगर कुछ कहना तो मैं जानूँ। और अच्छा नहीं ऐसी बात नहीं है, आपने अपना हमजा हमजा ऐसी बात नहीं है कि मतलब कोई कुछ कहेगा, किसी ने क्या कहना है, आपकी कॉल है वो हमारी रिस्पेक्टफुल है, चाहे वो पी टी सी एल पे करें या व्हाट्सएप पे करें। व्हाट्सएप का मुझे ये था कि यहाँ पे वॉइस का इशू है कि आपकी आवाज़ जो दूसरे लिसनर एंड व्यूअर्स है वो नहीं सुन सकेंगे। ठीक है और से आप करें तो मैं, अगर आप करो तो मैं सुन लेती हूँ। हम सब कहते हैं कि अभी आप ही को बोले ना, अच्छा हमजा भाई आप ही को बोले मेरी यहाँ से कॉल। ओके जी फ्राम, ओके जी आप करें, मैं आपकी कॉल अटेंड कर लेती हूँ। आपने वो सिफारिश नहीं करवाई, आप सब जो है ना मेरे लिए रिस्पेक्टफुल हो और रिस्पेक्टेबल हो, चाहे वो कोई भी कॉलर हो, हर एक की अपनी इंपॉर्टेंस होती है। अच्छा उसके बाद मोहम्मद अंसर गुजरात से कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम पाकिस्तान और आर्मी, लवली ग्रुप, शो नाइस, थैंक यू सो मच। अच्छा हेडिंग जो है ना किसने अंसर ने हेडिंग भेज दी है कि उसको सलाम, उसको सलाम, उसको सलाम, ठीक हो गया। अच्छा क्या नाम है आपका, आप मुझे कॉल करो व्हाट्सएप पे, मैं आपकी व्हाट्सएप पे ही कॉल डेफिनेटली अटेंड कर लूँगी, ठीक हो गया। अच्छा टाइम हो चुके हैं 4:38, दुआ दुआ कहती है कि जैगम असरार हमजा हदीजा मरियम माहिकु सलाम, ओके वालेकुम सलाम सबकी तरफ से और हमारी तरफ से आपको भी सलाम हो। एक कॉलर मां समझूते कॉल अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, हु इज विद मी, हबीबा बात कर रही हूं, हबीबा जी बिल्कुल, हाउ आर यू हबीबा, कैसे हो, शुक्र अल्लाह का आप सुनाए ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। हबीबा इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो हबीबा का मतलब है महबूब होना, मेरा पूरा नाम जो है उम्मे हबीबा है, उम्मे हबीबा क्या मीनिंग है इसका, इसका मीनिंग है देखो मतलब ऐसे तो प्यारी माँ की प्यारी, किससे, हबीबा माँ से प्यारी, माँ की प्यारी, अच्छा माँ की प्यारी, यानी इसका मतलब है मैं भी उम्मे हबीबा हूँ। फिर हाँ लड़की उम्मे हबीबा हो गई, बिल्कुल ठीक सही हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे बताया कि मैं उम्मे हबीबा हूँ, नेक्स्ट टाइम मैंने कहना है आई एम आर जे उम्मे हबीबा। मैं आपका शो सुन रही थी, ओके सात से नहीं सुना तकरीबन 3:30 बजे, ओके मुझे लगते नहीं कि आप ऑफिस आने आए, मैंने मैसेज मुझे फिर आपने पढ़ा लिया, आपने क्या कहा, मैंने कहा आप ऑफिस आने आए नहीं लग रही थी आपके, और मुझे टोटली चेंज लग रही थी, फिर मैंने मैसेज किया कि अपना नाम प्लीज बताएं, तो अभी तो जो है ना वो सैटरडे को 3 to 5 PM जो ना अच्छा नहीं वो नहीं शायद अभी मैंने, अच्छा नहीं वो आपने सिम पे किया मैसेज, हाँ वो मैंने अभी रीड नहीं किया। अच्छा हबीबा पता क्या बात है, मैं अपने स्टॉलर के साथ ना अपनी वॉइस भी चेंज कर लेती हूँ, ठीक है लेकिन नहीं मैं फेसबुक पे नहीं यूज करती, व्हाट्सएप पे नहीं यूज करती, तो मैंने कब ऐसे अक्सर मैसेज करती तो पढ़ लेते हैं वो, मैं पढ़ लूंगी। अच्छा उम्मे हबीबा क्या बोलोगे, अच्छा मुझे मैं आपसे हर्ट से क्वेश्चन करती हूँ ठीक है, मुझे ये बताओ कि कभी ऐसा हुआ इमली खाते हो आप, इमली नहीं मैं नहीं खाती, नहीं खाती,
ना करो, कोई बात नहीं करते ले भी ले, तो मेरा क्वेश्चन ही फिर डेड आपने कर दी है। कोई और ना कर लेना। कोई और कर लेना। अच्छा मैं ना कल मैंने इमली खाई थी, ठीक है। अच्छा। इमली खाने का उतना मजा नहीं आता जितना उसे ओपन करते वक्त मुंह में पानी आता है ना। अच्छा गोलगप्पे तो खाते होगे? हाँ गोलगप्पे खा, वो अगर हमारे सामने गोलगप्पे पड़े हो ना, वो जो मुंह में पानी आता है ना वो पानी आ जाते हैं। हाँ हाँ देख के पानी आ जाता है ना, क्यों होता है ऐसे? नहीं ये इमली गोल के पे खट्टी चीज पे क्यों मतलब मुंह में पानी आता है? अच्छा उमे अभी भाई इस वक्त आपके मुंह में पानी आ रहा है? सच्ची बताना। आप लड़की नहीं हो, मैं नहीं मानती। अच्छा जबरदस्त, वाह कमाल हो गई, यानी गोलगप्पे भी बनाने आते होंगे? हाँ जी बना लेती हूँ। वाह रे वाह, आप कितने लकी हो, हमें गोलगप्पे खाने हो हमें मार्केट जाना पड़ता है। और फिर मैं फिर पता क्या होना है, जब मैंने सैटरडे को यहाँ पे आना है ना, फिर मैंने कहना है एक चेयर कम है दो चेयर लगाओ, मैं एक पूरी नहीं आऊंगी। ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसा ही है ना। ठीक हो गया। अच्छा कोई मैसेज देंगे अंकल की? कौन आ? नहीं अंकल की अभी नहीं आई है। अच्छा उमे हबीबा, अच्छा उमे हबीबा जर्निश कह रही है इनसे रेसिपी पूछे, मैं घर पर ट्राई करूंगी, मतलब मैं अब यहाँ पे शेफ का काम भी करूंगी। वो कहती है रेसिपी बताए मैं घर पर ट्राई करूंगी। अच्छा जनीश आप जो है ना गूगल भी कर सकते हो, ऐसे ही है गोलगप्पे की? हाँ जनीश के मुंह में पानी आ गया ना, मैंने कहा नहीं मेरे मुंह में पानी आ गया, वो सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। ओके जी कॉल ड्रॉप होगी। थैंक यू सो मच उमे बीबा, बहुत प्यारी है आपने हमसे, अच्छा लगा आपसे बात करके। और यहाँ पे क्या क्या हो गया, क्या आपने मैसेज वैसे किया था? अच्छा पता क्या बात है, आप लोग कहते कि बस मैसेज किया फौरन अटेंड कर लिया करें, बारी बात है मैं यहाँ पे कॉल अटेंड करती इसलिए वो पॉसिबल नहीं था, तो आप कॉल करो मैं अटेंड कर लूँगी। अच्छा दुआ बट क्या हो गया, आपने क्वेश्चन मार्क क्यों लगा के भेजे हैं? अर्शद अली को हम वेलकम कह रहे हैं सिस्टर, थैंक यू सो मच। अर्शद आप कैसे हो? और जनीश कह रहे हैं कि उम्मे अबीबा की रेसिपी ट्राई करनी है। ओके जी, वैसे जनीश आपके मैसेज मैंने दे दिया है कि रेसिपी जो है वो शेयर करें, और वही बात है ना कि इमली गोलगप्पे ये चीजें सुन के ना मुंह में पता नहीं क्यों पानी आने लग जाता है, और इतना मजा खाने का नहीं आता ना जिसका वो इमली को वो ओपन करके ना मुंह में पानी आ रहा होता है। खैर ये हमारी लड़कियों की बातें हैं, और बॉयज़ को वैसे ये चीज़ें उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं होता और बना भी नहीं चाहिए। अच्छा वो लोग जो है ना जो बॉयज़ गोलगप्पे खाते हैं वो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, मतलब क्यों, ये तो इनकी चीज़ ही नहीं है, ये तो हमारी चीज़ है। एनीवेज जी और टाइम क्या हो गया जी हमारे पास 4:45 हो चुके हैं, एक ब्रेक पर चलते हैं, लास्ट ब्रेक है इस आज के शो की। ओके जनीश कह रहे हैं वो है सुनकर उम्मे हबीबा, ओके ठीक हो गया सही। हाँ ये ऐसे ही है, देखा जनीश मेरी जो है ना फीलिंग जनीश समझ गई है कॉल। अच्छा आपकी जो कॉल है व्हाट्सएप पे जो कॉल कर रहे हैं, अभी ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के टाइम में मैं कॉल अटेंड तो नहीं कर सकती हूँ, ब्रेक से बाद डेफिनेटली आपकी मैं कॉल अटेंड कर लूँगी, सो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। ओके जी कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम, इस वक्त मेरे साथ कौन कहाँ से मौजूद है? आप ऑनियर हो? ओके जी। अच्छा क्या नाम है आपका? हानिया। ओके, इसी वजह से मैंने कहा था क्योंकि यहाँ पे वॉइस का इशू है ना। लेकिन थैंक यू सो मच आपने कॉल की, और एक कॉलर जो है हमारी लैंडलाइन नंबर पे भी हमें कॉल कर रही थी, उनकी कॉल हम अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आरजे सनी इज हियर, हु इज विद मी? आपका प्यारा सा नाम असरार अहमद मुगल। असरार, आपके आने से पहले आपका पैगाम आ चुका है यहाँ पे। वो पता नहीं किसने भेज दिया। अंसर ने। वो अंसर है तो मैं असरार हूँ। अच्छा, कैसे हैं असरार? अल्लाह का शुक्र है, बस ठीक हूँ। क्या चल रहा है लाइफ में? कुछ भी नहीं, छत पर बैठा हूँ और आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ। अच्छा, आपको जब मैंने कहा है ना क्या कर रहे हो, आपकी एक ही बात होती है, छत पे बैठा हूँ आपको प्रोग्राम सुन। वो आपके वो क्या कहते हैं ना कि सबका वजीर आजम। हाँ हाँ, तो आप भी कभी कहीं थे वहाँ पे मिस कर रहे हैं। नहीं, क्या क्या बोला आपने? किसी और जगह पे भी आपको मिस कर रहे हैं। मतलब क्या मतलब? वो नहीं रब आ सकता फिर और यहाँ पे। पता नहीं क्या इसरार पहल। मैं कह रहा हूँ आप अभी जो ड्यूटी दे रही हैं। ओके, पहले कहीं जहाँ ड्यूटी देती थी। अच्छा अच्छा ठीक, जगह पे भी मिस कर रहे हैं। ओके ओके, ठीक सही हो गया। तो कोई बात नहीं ना, आप यहाँ पे जो है यहाँ पे आप कर लिया करो कॉल। वहाँ पे भी और आवाज है इस वक्त। हाँ ये भी बात ठीक है वैसे। जी। अच्छा, वहाँ पे मेरा ट्यूसडे को हुआ करता था ना? ये मुझे कोई याद नहीं है। हाँ, मंडे या ट्यूसडे। एनीवेज कोई बात नहीं, क्या कहते हैं कि लाइफ में इस तरह के अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। क्या मैसेज दोगे तमाम सुनने वालों को? बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हंसते रहे मुस्कुराते रहे, और मैं चाहते यही कहूँगा कि जो मुसलमान है ना वो तादाद में कम है और वो जो दूसरी आवाम है वो ज्यादा है। नहीं 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 इसराइल, इस पे मैं आपसे डिसएग्री करती हूँ। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो तादाद है वो मुसलमानों की है। चले, मैंने कभी आपसे सुन रहा हूँ, मुझे लगता है कि वो ज्यादा तादाद है इसलिए वो मुसलमानों को टारगेट करते हैं। नहीं, वो इस तरह ना, जैसे हिंदू उनके लिमिटेड तादाद है, इसके अलावा जो सिख है उनकी लिमिटेड है, मुस्लिम जो यूनिटी में ना उनकी सबसे ज्यादा है एज अ रिलीजन। तो फिर पावरफुल मुसलमान होने चाहिए ना हर मुल्क में। हाँ ना, लेकिन यूनिटी नहीं है ना मुस्लिम में। अब मुझे बताओ सऊदीया कहाँ है हमारे साथ? वो तो इंडिया के साथ जाके खड़ा है। यही तो मसला है ना। हाँ, कि सब मिलके नहीं बैठते। एग्जैक्टली ऐसी बात है। ठीक सही है। क्या मुझे यही कहा कि शायद उनकी तादाद ज्यादा है इसलिए? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। ओके थैंक यू। उनकी तादाद ज्यादा भी हो तो मुसलमान फिर भी उनसे बात करते। हाँ, हम राइट पे है ना, हमें पता है कि यहाँ से जिंदगी कट हुई वहाँ पे हम जन्नत में बैठेंगे जो शहीद होता है। जी जी। हाँ ऐसे। थैंक यू सो मच इस्टार। तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देर बाद आई है, अच्छे बात, उनको भी वेलकम, और तमाम बहनों भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। हदीजा लेट नहीं आई, इसरार आप लेट हुए, वो रेगुलर कॉल करती है। कभी कभी आती है ना, आपको नहीं पता। और भी तो प्रोग्राम होते हैं ना। हाँ ये कह सकते हो, लेकिन मेरे शो में रेगुलर है वो। चले, आपने वो रूपोश का जो है ना सॉन्ग चला के जाना है। चला के जाना है, ठीक है, चला दूंगी इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा सैयद अब्दुल्ला हमारे साथ जुड़े, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेबी मलिक कहते हैं कि मेरी तरफ से सबको सलाम। वालेकुम अस्सलाम। शेबी, इतने टैक्स करके आप सबसे पहले आए हो, अब आपके सबको सलाम दे रहे हो, मतलब क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया। ओके ओके जी, कॉल दोबारा से अटेंड। अच्छा ये जो है ना व्हाट्सएप पे कॉल। ओके ओके ओके, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, आपका नाम? हानिया। हाँ जी, आनिया। ओके, कैसी हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी ये दुआएं। आपने फर्स्ट टाइम मेरे शो में मुझे कॉल की है ना? हाँ जी, मैंने फर्स्ट टाइम किया है, और शुक्र है आपने मेरी कॉल। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, वो थोड़ा सा वॉइस का इशू आ जाता है, लेकिन थैंक यू सो मच आपने कॉल की, और आपकी वॉइस मुझे माशाल्लाह बड़ी इनोसेंट सी लग रही है, छोटे से हो आप। नहीं, मैं ओके ओके। अच्छा क्या मैसेज देना चाहेंगे?
टॉपिक है कि जुल्म जो है हमेशा मुसलमानों पे ही क्यों किया जाता है, ऐसा क्यों है? जो आपने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया, और सीरियसली आज मेरे शो का पर्पस ये है कि हम अगर कुछ नहीं कर सकते एटलीस्ट उनके लिए दुआ कर सकते हैं, अब मैक्सिमम जो है ना इस मैसेज को आगे कन्वे कर सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही है क्योंकि दुआ से यार, दुआ से यार तकदीर बदली जा सकती है, आपकी जो है एक लक वो चेंज हो जाती है। ओके आप जो है ना अपनी अपनी जो है ना व्हाट्सएप टीपी वो चेंज ना कीजिएगा, मुझे याद होगा कि आपकी टीपी मैं कॉल अटेंड कर लिया करूंगी। ओके थैंक यू सो मच जी जी जल्दी से ऐसे ही है जी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ओके ठीक है, अल्लाह हाफिज। ओके जी यहाँ पे अच्छा वही जो है ना, प्लीज आप लोग व्हाट्सएप पे कॉल ना करें, चलिए उनका तो एक इशू था इसलिए मैंने कॉल अटेंड कर ली, बाकी जो है लैंडलाइन नंबर पे कॉल करें, वो नंबर है हमारा 0537601961 कॉल है हमारा समझूद है। अब्दुल्ला कहते हैं आज लेट हो गया, लेट नहीं हो गया, बहुत लेट हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, आ तो गए हो ना, कोई बात नहीं। ओके अरशद अली कहते हैं कि आपकी बात सही, ओके हाँ बात तो ठीक है लेकिन बात था, लेकिन जब आप अपना इसमें कोई शेयर डालेंगे, कॉल अटेंड करते हैं, देखते हैं कौन हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, आज सनी इज हियर। वालेकुम अस्सलाम, पाकिस्तान की ये छोटी सी बच्ची का नाम क्या है? मरियम, आपकी एज कितनी है पहले मुझे ये बताओ। मैंने इसलिए पूछा था एज बताएं। हाउ आर यू? अच्छा सीरियसली कसम से मैं कहने लगी थी कि मरियम जरा वो आवाज तो निकालो, मैं कहने ही लगी थी कि मरियम आवाज तो निकाले जरा। हाँ कैसे मरियम? हाँ थैंक यू सो मच कि देर आई दुरुस्त है, आपने कॉल तो कर लिया ना। इंशाल्लाह। अच्छा क्या मैसेज दोगे, जल्दी से कोई मैसेज दे दे। इंशाल्लाह सुमा, इंशाल्लाह अच्छी बात ये, लेकिन अब तो
हाँ ऐसे ही है एग्जैक्टली एग्जैक्टली हाँ अच्छा मरियम सॉरी टू इंटरप्ट, मैं सिर्फ ये कहती हूँ जब खुदा का प्रॉमिस है कि मैं सबको दूंगा तो हम क्यों नहीं उससे मांगते। हाँ ठीक ठीक ओके जी थैंक यू सो मच, थैंक यू मरियम, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ठीक है ओह वालेकुम अस्सलाम, ठीक है आप योर सेल्फ ओके अल्लाह हाफिज। ओके जी दुआ का मैसेज, दुआ कह रही है कि भाई इधर बारी आ जाती है इसलिए यहाँ पे कॉल करते हैं, लेकिन अब तो टाइम खत्म हो गया, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपका ज़रूर जो है मैं आपकी कॉल अटेंड करूँगी। ये गुजरात से शरीफ कौन है, फ्राम गुजरात, अली गुजर, अली गुजर थैंक यू सो मच, आपने अप्रिशिएट किया और मैसेज हमें किया। एक और मैसेज है, ये कौन है, जल्दी से जल्दी से जल्दी से, आई एम शुएब अख्तर, ओए शुएब अख्तर, शुएब मुझे का मैसेज है क्या कहते हैं, यू आर शुएब वेरी नाइस, थैंक यू सो मच शुएब अख्तर। अच्छा ये एक और मैसेज है, कौन है आपकी, कैसी हैं आप, और किसका है ये, बाई नेम, नेम नेम क्या है आपका, आवाज़ अच्छी है, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। और क्या कहते हैं अंकल रफीक हम तो, अच्छा सबको सलाम, ठीक हो गया, सही हो गया। और इसके अलावा एक और मैसेज शामिल करने के कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, और ठीक सही हो गया उमर, बहुत शुक्रिया आपका मैसेज करने का। ये कौन है, उमर हयात कहते हैं कि फ्राम गुजरांवाला, मुस्लिम पे जुल्म इसलिए बहुत है क्योंकि 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 लिखा बेर बेरी नू लगदे जड़े झड़ जाते कच कच्चे। अच्छा बहुत डीप पंजाबी लिख दी है, मुझसे पढ़नी नहीं हो रही, लेकिन एनीवेज टाइम जो है ना वो खत्म हो चुका है। आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच टू आर माय लिसनर्स एंड व्यूअर्स कि आप इतना सपोर्ट करते हैं मेरी वीडियोस को, शेयर मस्ट कीजिए कि अपने तमाम ग्रुप्स में और व्हाट्सएप पे एफबी पे, और इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा। साथ में मेरी पर्सनल आईडी आर जे सनिया, आर कैपिटल जे कैपिटल सनिया एस डबल एन आई ए का नाम से मौजूद है, एस कैपिटल वॉयलेंट जो है वो प्रोफाइल है, इसमें जरूर कमेंट्स कीजिएगा पॉजिटिवली और फीडबैक दीजिएगा। नेक्स्ट सैटरडे इंशाल्लाह विद अ न्यू टॉपिक, विद न्यू कैटेगरी, विद न्यू कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स के साथ और न्यू लुक के साथ, न्यू एंथुजियाज्म के साथ आपके साथ दोबारा से लेंगे। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, योर पेरेंट्स, योर नेबर्स, your fam family friends, ha theek hai, aur till then aloo chuti ke yourself, bye bye, allah hafiz।